हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम फैसल माबूद एंड आई एम योर सीसेट मेंटर एट दिस चैनल। आवर डिस्कशन फॉर टुडे इज अबाउट एवरेज। सो बिफोर स्टार्ट, आपका कन्फर्मेशन चाहिए कि सारी चीज़ें सेट हैं, साउंड क्लियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ओके, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो लास्ट क्लासेस में जो आपने सीखा उसकी कोई तीन बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो इन सब टॉपिक में सबसे अच्छा टॉपिक आपको कौन सा लगा वो लिखिए आप जल्दी से। और लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो एवरेज होगा। सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज निकालने में हमने क्या क्या चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें एवरेज में भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो अब एवरेज होता क्या है, ये चीज़ें, ये आपको बेसिक डिफिनेशन तो पता है। आप एवरेज से क्या समझते हैं, चलिए एक लाइन में बताइए कि एवरेज क्या होता है। लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए एवरेज क्या होता है। ओके, ठीक है। देखिए एवरेज को जो हम समझते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा लाइव क्लास कई लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लास, आप ये समझिए कि क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट हैं जो क्लास कर रहे हैं। अब 50 स्टूडेंट के पास सबके पास कुछ कुछ अमाउंट होगा। किसी के पास 10 रुपीज़ है, किसी के पास 20 रुपीज़ है, किसी के पास 100 रुपीज़ है, एंड सो ऑन। अब हम आपसे कहें कि आप जितने स्टूडेंट हैं उनके पास जो अमाउंट है उसका एवरेज क्या होगा। तो आपके दो वे हो सकते हैं। आप ये कहिए कि जो ये 50 स्टूडेंट थे, 50 की जगह अगर आप 5 स्टूडेंट कर दें, हमने 5 सिलेक्टेड स्टूडेंट आप में से निकाला, एक के पास 10 रुपये था, दूसरे के पास हमारा 12 रुपये था, तीसरे के पास 12 रुपये ने 12 बिटकॉइन थे, आप लोग अमीर लोग हैं, ठीक है। एक के पास 10 बिटकॉइन थे, दूसरे के पास 12 बिटकॉइन थे, तीसरे के पास 11 बिटकॉइन थे, फोर्थ के पास सपोज 9 बिटकॉइन थे, और फिफ्थ के पास हमारे 14 बिटकॉइन थे। ओके, अब हम कैसे कर सकते हैं कि इनका एवरेज हमको निकालना है। तो हम क्या करें, या तो हम ये करें कि बिटकॉइन, सपोज बिटकॉइन हालांकि क्रिप्टो करेंसी होती है, मान लीजिए कि वो फिजिकल फॉर्म में भी है, ठीक है। या आप ये मानिए कि 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 11 रुपीज़, 14 रुपीज़, ये सबके पास हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम ये कहें कि एक बॉक्स हमने लिया और उसमें हमने कहा कि सारे लोग अपना अमाउंट डाल दें। तो फर्स्ट वाला कितना डालेगा, 9 रुपीज़, सेकेंड वाला कितना डालेगा, 10 रुपीज़, थर्ड वाला कितना डालेगा, 12 रुपीज़, फोर्थ वाला कितना डालेगा, 11 रुपीज़, फिफ्थ वाला कितना डालेगा, 14 रुपीज़। ओके, तो ये इतना अमाउंट इसमें आ जाएगा। मींस इनको हम सब ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 प्लस 9 के कितना हो गया, 20, 20 प्लस 10 हो गया 30, 30 प्लस 12 हो गया 42, 42 प्लस 10 हुआ हमारा 52, 52 प्लस 4 हुआ 56, यानी इसके अंदर हमारा 56 रुपीज़ आ गया। अब इसको अगर हमारा एवरेज का ये मतलब होता है कि ये जो 5% थे P1, P2, P3, P4 एंड P5, अभी इनके पास डिफरेंट अमाउंट थे, ओके। लेकिन हम ऐसा कुछ करें कि सबके पास इक्वल अमाउंट आ जाए, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पर कैसे करेंगे, 56 को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 5 वन ज़ा 5, इसको अगर डिवाइड करें 5 वन ज़ा 5, फिर 5 वन ज़ा 5, यही होगा ना, 5 वन ज़ा 5 पॉइंट, अब ये कितना बचा 1, 5 टू ज़ा 10। मीन्स अगर ये P1, P2, P3 को P1, P2, P3, P4 एंड P5 को अगर हम 11.2 रुपए दे दें तो सबके पास इक्वल हो जाएगा ना।
यानी एवरेज वो कॉन्सेप्ट है जो सब सारे जो डिफरेंस डिफरेंस हैं नंबर में या मार्क्स में उनको इक्वल कर दे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 11.2, अगर सबको दे दें तो इसको ऐड करिए, 11.11 11 11 11 कितना हो गया 55, 11 प्लस 11 फाइव टाइम 55.2, फाइव टाइम कितना होगा 156 हो जाएगा, वही देखिए वही अमाउंट आया, ठीक है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जितनी जितने डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करके इक्वल कर दें। उसी तरह जैसे सपोज कोई एक बच्चा है, उसके 100 मार्क्स का उसका टेस्ट हुआ, ठीक है, और उसने क्या किया फाइव या टू सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में उसने 99 लाया, दूसरे सब्जेक्ट में उसने 91 मार्क्स लाए। तो अब यहाँ ये पूछ रहा है कि दोनों में मिला के ये 100 में इतना आया, 100 में इतना आया, कितने मार्क्स इक्वल आते तो सेम नंबर आते उसके। यहाँ पर टोटल इसके कितने आ रहे हैं, 91 प्लस 99 कितना हो रहा है 190। अब अगर इक्वल अमाउंट आते तो 190 का हाफ कितना होता हमारा, 95 होता। तो अगर उसके फर्स्ट पेपर में 95 आते, दूसरे पेपर में 95 आते, जब भी उसका इक्वल कितना होता, 190 होता, ठीक है। मीन्स एवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि किस तरह से इक्वल अमाउंट में चीज़ें हों। इसका एक और एग्जांपल, आप कार से चलते हैं, ठीक है, हालांकि इस पर हम एवरेज में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम जब टाइम स्पीड और डिस्टेंस करेंगे तो वहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको अलग से पढ़ेंगे, एवरेज में उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई बुक आप देखते हैं जहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट टाइम एंड स्पीड का यहाँ पर है तो उसको अभी छोड़ दीजिएगा, हम इसको जब स्पीड डिस्टेंस और टाइम आएगा का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें हम इसको देखेंगे। अब ये देखिए इसमें एक एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर पर जब पैर रखते हैं आप तो वो गाड़ी मूव करने लगती है। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए आप ए पॉइंट से चलें, आपको सी जाना है, ए पॉइंट से चलें, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत था तो आपने धीरे स्पीड से चलें और आप बी पर आ गए, और आप फिर उसके बाद यहाँ से चलें दूसरी स्पीड से चलें, कॉन्स्टेंट स्पीड से चलते रहें और आप सी तक पहुँच गए। यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगा और यहाँ पर कम टाइम लगा, ऐसा हुआ। लेकिन तो अब आपका यहाँ पर स्पीड सपोज 20 मीटर पर सेकेंड थी, हाफ हाफ सपोज ये हाफ है ये भी हाफ है, और इसकी यहाँ पर जो है हमारी 40 मीटर पर सेकंड हो गई। तो एवरेज कॉन्सेप्ट क्या देता है, वो एवरेज का कॉन्सेप्ट ये देता है कि यहाँ पर जहाँ पर आपने एक्सेलेरेटर पर पैर रखा और जितनी स्पीड हो गई तो ट्रैफिक ना होता और उसी कांस्टेंट स्पीड से आप उतनी ही डिस्टेंस उतनी ही टाइम में कितनी देर में पहुँच जाते, ये एवरेज है। ओके, तो एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपकी, कि वो क्वांटिटी जो एक फिक्स अमाउंट में चले, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चा है जो कांस्टेंट कोई एक घंटे पढ़ रहा है तो आपका एवरेज आर कितना होगा। मान लीजिए आपने क्या किया, फर्स्ट डे आपने कितना पढ़ा 18 आर, सेकेंड डे आपने कितना पढ़ा, सो गए आप 0 आर पढ़ा, थर्ड डे आपने कहा फिर से हम पढ़ेंगे, आपने कहा 10 आर पढ़ा, आपने कहा कि अब कल पढ़ेंगे, फिर आप 0 पर सो गए, ठीक है। दूसरा बच्चा ये था जो 4 डेज, ये जो हमारे 4 डेज थे सब में जो है वो कितने कितने आर पढ़ रहा था, 7 आर। तो ये देखिए टोटल आपने कितना फोर डे में आपने कितना पढ़ा 28 आर, और उसने भी कितना पढ़ा 7 + 7 + 7 + 7 28 आर। तो आपकी स्पीड अगर 7 आर पर डे होती तब भी सेम बात होती, तो आपकी पढ़ाई जो है आपने भले ही एक दिन में 18 आर पढ़ा था लेकिन अगले दिन 0 पढ़ा, उसके बाद अगले दिन 10 पढ़ा, फिर 0 पढ़ा, मीन्स आपकी एवरेज जो है वो कितनी हो गई, 7 पे आ गई। तो अगर आप 7 आर पर डे पढ़ते तो आपको आसानी से पढ़ाई भी हो जाती है और आपका एवरेज भी रहता है ना, डेली होता। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि एवरेज क्या होता है। अब एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको उसके फार्मूले तो होते हैं, उस पर जाने से पहले जो चीज़ हम समझते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज 3 क्वांटिटीज हैं, जिस 3 लेंथ की कोई रॉड है, ये है
दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए, यहां तक क्लियर हो रहा है ना, जल्दी सारे लोग लिखें। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी लिखिए, पूछिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से। ओके, तो अब आप ये देखिए, हम ये कहें कि इन तीनों का एवरेज क्या है, मतलब एक की हाइट ज़्यादा है, दूसरे की हाइट कम है, तीसरे की हाइट ज़्यादा है, तो वो ये कह रहा, हम ये कह रहा है कि कितनी हाइट होती तो इक्वल लेंथ की हमारी रॉड हो जाती। तो हम इसको दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो हम ये करें कि इस रॉड को पहले हम क्या करें कि इस रॉड को हम पहली रॉड को जो ए रॉड है उसको हम ऐसे बना लें, उसके ऊपर बी रॉड जो है ये इसको हम ऐड कर लें, उसके बाद हमारी जो सी रॉड है उसको ऐड कर लें, ठीक है, हम कर लिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये रॉड को तीन पार्ट में हमको इक्वल बांटना है, तो हम एक को यहाँ लगा के ये तीन रॉड बट गई, तो हमारा एवरेज क्या हुआ, ये जो अभी हम कर रहे थे कि आपसे हमने कहा कि आप पांच बच्चे हैं, तो पांच बच्चों के जो हमारा एवरेज है वो कितना होगा, तो हमने सबको एक बॉक्स में डाला और हमने वहाँ से क्या किया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐड करने के बाद, यही किया था ना अभी, तो वैसे ही हम ये क्या करें, तीनों को ऐड करा यानी एक बॉक्स में डाला और उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये हो सकता था कि हम ये करते कि यहाँ पर ये डैश लाइन बनाया, हम ये कहते कि एक जो जिसके पास सबसे कम है हाइट वो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, उतनी हाइट पे सारे बी और सी को कट कर देंगे, यानी बी से इतना अमाउंट निकलेगा, बी से इतना अमाउंट निकलेगा ना, ये कट के निकलेगा, यही कट के निकलेगा ना, और सी से कितना कट के निकलेगा, ये कट के निकलेगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, उसके बाद देखो यहाँ ए के पास कितना बचा, ये पोर्शन बचा, बी के पास कौन सा पोर्शन बचा, ये बचा, सी के पास कौन सा पोर्शन बचा, ये बचा। अब इसके ऊपर वाला जो अमाउंट है, अब इसको इक्वल थ्री पार्ट में हम डिवाइड कर दें और इसको जो है ए पर हम लगा दें, इसको जो है दूसरे वाले को बी पर लगा दें, तीसरे वाले को सी पर लगा दें, तो सबकी हाइट सेम हो जाएगी कि नहीं, सपोज इतनी इतनी और इतनी, तीनों की सेम हो जाएगी। यानी हम दो तरीके से कर सकते हैं, यार तीनों को हाइट ऐड करके थ्री से तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दूसरा ये हो सकता है जो मिनिमम हाइट का है उससे हाइट जितनी ज़्यादा है उसको कट करके जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको ऐड करने के बाद तीन में डिवाइड करें। तो अगर ये कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आप ओरल क्वेश्चन कर पाएंगे चीज़ों को, अभी आप देखेंगे कि कितने आसानी से आप ओरल कर ले रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से क्या है, आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे भी और ऐसे निकाला भी जाता है, ठीक है। इसका दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आपसे हमने कहा कि फाइव पर्सन जो हैं, P1 P2 P3 P4 और P5 ये थे, इसके पास हमने अमाउंट कितना बताया था, सपोज 11, इसके पास 9, इसके पास 12, इसके पास 8, इसके पास हमारा 15, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा। एक तो ये था कि हम पूरा एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स में पर्सन P1 से कहें कि आप अमाउंट डालिए तो कितना डालेगा, 11 रुपये डालेगा, फिर अगर P2 से डालें तो वो कहेगा 9 रुपये हम डाल रहे हैं सर, P3 से हम कहें तो वो कहेगा 12 रुपये डाल रहे हैं, P4 से कहें तो वो कहेगा हम सर 8 रुपये डाल रहे हैं, P5 से कहें तो वो कहेगा 15 डाल रहे हैं। तो इनको सबको ऐड करें तो कितना हुआ है, 20 और ये 20 हमारा हो जाएगा 20 + 20 40 और 15 कितना हो, 55, यानी टोटल अमाउंट हमारा कितना आ गया, 55। अब 55 को अगर हमको इक्वल पांच लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 / 5 कर देंगे, यानी 55 / 5, तो सबके पास 11 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारा न्यू एवरेज क्या बन जाएगा, एवरेज क्या बन, इसके पास 11, 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 ठीक है। ये अप्रोच तो हम जानते हैं और इसको हम करते भी रहते हैं। दूसरी अप्रोच हमारी क्या हो सकती है उसके बारे में हम देखें। दूसरी अप्रोच हमारी ये हो सकती है कि अब हम ये कहें कि ऐसा है, तुम लोगों के पास कितना अमाउंट है, तो सब ने बताया सर, P1 बताया 11 है, P2 ने बताया 9 है, P3 ने बताया 12 है, P4 ने बताया 8 है, P5 ने बताया हमारा 15 है। अब हम कहें ऐसा है, तुम पूरा अमाउंट ना दो, ऐसा करो, हमने एक बॉक्स बनाया है, सबसे कम किसके पास है,
तो P4 ने कहा हमारे पास है। हमने कहा ठीक है, 8 रुपये है ना तुम्हारे पास? तो उसने कहा जी सर 8 रुपये हमारे पास। तो अब हमने कहा कि ऐसा करो, सारे लोग अपने पास 8 रुपये रख लो और उससे ज़्यादा जितना है वो हमको दे दो। ठीक है, हमने क्या कहा कि 8 रुपये सारे लोग रख लें और उससे ज़्यादा जितना भी अमाउंट है वो हमको दे दें। तो होगा क्या कि इसके पास 8+3 होगा, इसके पास 8+1 होगा, इसके पास 8+4 होगा, इसके पास 8+0 होगा, इसके पास 8+7 होगा। तो अब हमने कहा कि 8 रुपये आप रख लें, तो ये अमाउंट इन लोगों ने अपने पास रखा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट था, यानी पहले वाले ने कितना इसमें डाला 3 रुपये, दूसरे वाले ने कितना डाला 1 रुपये, तीसरे वाले ने कितना डाला 4 रुपये, चौथे वाले ने कितना डाला 0 रुपये, पाँचवें वाले ने कितना डाला 7 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4+4 8+7 15, यानी हमारे पास 15 रुपये आ गया, आया ना 15 रुपये। अब ये 15 रुपये को हमको, सबके पास कितना है ऑलरेडी 8 रुपये है, 15 रुपये को हम कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5 लोगों में, तो ये आ जाएगा 3। तो अब हम सबके पास कितना था हमारा 8 था, तो अब हमने क्या किया, पहले वाले को +3 करा, दूसरे वाले को +3 किया, तीसरे वाले को +3 किया, चौथे वाले को +3 किया, पांचवे वाले को +3 किया, तो सबके पास कितना कितना अमाउंट आ जाएगा 11 11 11 एंड सो ऑन। तो अभी देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने 11 निकाला था, लेकिन इस अप्रोच से क्या होगा, देखिए अभी आपको ये हम देते हैं, इसमें आपने ऐड किया था, ये अभी हमने समझाने के लिए किया, लेकिन आप ये देखिए सबसे नियर अबाउट के जो नंबर होते हैं, जैसे आपके मार्क्स होते हैं वो नियर अबाउट होते हैं, आपने कहा 50 में 47 है, 48 है, 40 है, उसमें ये अप्रोच कितनी कितना फ़ायदेमंद होती है। आप ये देखिए, हमने कहा सबसे पहले हमने देखा 8 सबसे कम है, 8 से ज़्यादा कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर +1 4, और यहाँ पर +4 8, यहाँ पर +7 8+7 15 प्लस डिवाइड बाई 5 हमने किया 3 आ गया, हमने कहा 8+3 11 होगा, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। मीन्स अगर जैसे आपका एक पेपर हो रहा हो, सपोज 50 मार्क्स के 5 पेपर हुए हैं, जिसमें पहले में 47 नंबर आए, सेकेंड में 46 नंबर आए, थर्ड में 44 नंबर आए, फिफ्थ में 43 नंबर आए, फोर्थ में 43 आए और फिफ्थ में हमारे 45 नंबर आए। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि पूरे इनके मार्क्स का एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमारे मार्क्स का एवरेज क्या होगा। अब आप देखिए कि मार्क्स का एवरेज हमको निकालना है, तो या तो हम क्या करते हैं, इसमें इनको 5 को पूरे को ऐड कर लें और उसमें डिवाइड कितने से कर दें, 5 से कर दें, ये अप्रोच आपको मालूम है। लेकिन अब हम जो बात कह रहे हैं कि आपको एक बेस लाइन बना लेना है, इसमें सबसे कम कितना है 43, अब 43 से ये कितना ज़्यादा है, आप माइंड में ऐड करिए, 4 ये कितना ज़्यादा है 3, 7 हो गया, ये कितना ज़्यादा है 1, 7+1 8, और ये कितना ज़्यादा है 2, कितना हो गया हमारा 10, यानी 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, कितने 10, यानी सबके पास 43 हमने रख दिया, और उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा हुआ वो 10 आ रहा है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 लोगों में, 2 आ गया ना, यानी सबका एवरेज कितना हो जाएगा 43 सबके पास था, +2 कर दिया हमारा, कितना आ गया 45। ओके, ये अप्रोच हमारी जो है आसान होती है, समझ में आया। जैसे अब हम आपसे कहें, चलिए एवरेज बताइए, हमने कहा कि 40.5 41.5 42 42.5 43 43 43.5, ठीक है 44। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, कितने नंबर है हमारे 4 4 8 8 नंबर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सबको ऐड कीजिए, उसके बाद डिवाइडेड बाई 8 कीजिए, ये कर सकते हैं, ये अप्रोच आपको मालूम है। क्या करेंगे आप, 40.5 + 41 + 41.5 + 42 + 42.5 + 43 + 43.5 + 44 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे कि नहीं, यही करेंगे ना 8, ठीक है 8 करेंगे ना, बोलिए। तो इससे एवरेज निकालिए आप कितना आ रहा है, चलिए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आया एवरेज,
बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, कितना आया एवरेज कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। चलिए आपका एवरेज जो आ रहा है, अब हम इसको अपने अप्रोच से निकालते हैं। देखिए इसमें जो मिनिमम है वो कितना है, 40.5, लेकिन आपको मानना है, अगर 40 मानना हो तो 40 मान लीजिए। अगर 40 बेस मान लिया, यानी सबके पास 40 रहेगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर कितना आएगा, 0.5। दिमाग में करते चलिए, ये 1, ये 1.5, ये हमारा आएगा 2, 40 से कितना ज़्यादा है 2, यहाँ पर कितना आएगा 2.5, ये कितना आएगा हमारा 3, ये आएगा हमारा 3.5, ये आएगा हमारा 4। क्या यही आएगा कि नहीं, बोलिए जल्दी से। अब ये देखिए हम इसको ऐड करते हैं, 0.5 प्लस ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2.5 प्लस ये कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 2 प्लस 6 कितना हो गया हमारा 8 और 1 9 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 11 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। यानी 18 ज़्यादा हुआ, 18 को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8 लोगों में, तो ये हो जाएगा हमारा 18 डिवाइड बाई 8, यानी आ जाएगा हमारा 8 2 16। अब ये 20 हो गया, तो 8 2 16 8 4 5 50 40, ठीक है। तो अब हमारा 40 से कितना, 40 तो सबके पास था, अब हम कितना कितना अमाउंट सबको दे देंगे, यानी हमने कहा कि 40 40 सब मार्क्स से आप लोग रखिए, अब चलिए अब 2.25 हम दे देंगे, यानी हमारा एवरेज जो हो जाएगा वो 42.25 होगा। यही आ रहा है ना सारे लोगों का, बोलिए कहीं गलत नहीं किया ना हमने। ये कितना हो जा रहा है, ये 2 हो रहा है, ये हो जा रहा है हमारा 6 हो जा रहा है, 8 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 हो गया हमारा 15 15 प्लस 2 17 1 18, ठीक है, यही होगा ना। तो इस अप्रोच से आप क्या जल्दी निकाल सकते हैं, वरना तो आपको ऐड करने में टाइम लगेगा। ये जो हम बता रहे हैं एक्सप्लेन करने में भले टाइम लग रहा हो, लेकिन अगर आप माइंड में करिए कि 40 ज़्यादा 0.5 है, 0.5 1.5 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया, 3 प्लस 2 हमारा हो गया 5 हो गया, 5 प्लस 2.5 7.5 हो गया, 7.5 प्लस 3 हो गया 10.5, 10.5 प्लस 3.5 हो गया हमारा क्या नाम है 14, 14 प्लस 4 हो गया 18। ये आप डायरेक्ट 18 लिख सकते थे, यानी आपको रीडिंग लगाते वक्त आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच समझ में आ रही है कि नहीं आपको, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रही है ना, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, समझ में आ रही है। तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। अच्छा अभी उस पर जाते नहीं हैं कि परसेंटेज भी एक्चुअली एक तरह का एवरेज है, एवरेज भी एक तरह का परसेंटेज है। आप ये देखिए कि हमने क्या कहा कि इसके मान लो ये 50 में था, 50 में इसके इतने नंबर आए, 50 में इसके इतने नंबर आए, 50 में इतने इसके इतने नंबर आए, सबके 50 50 में 8 उसमें आए। अब हमने सबको मिला के एक पूरा बड़ा बॉक्स बना दिया। अब हमने कहा एक बॉक्स की कितने, ये कितना कितनी वैल्यू होगी इस बॉक्स की, एक बॉक्स की, तो वो हमारा क्या निकल रहा है, वैल्यू निकल रही है ना। तो परसेंटेज वाइज इसी वजह से आप देखिए अपना परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, पूरे को ऐड करके डिवाइडेड बाई जितने भी मार्क्स आते हैं, डिवाइडेड बाई जितने 5 पेपर अगर हैं तो आप पूरे, अगर 100 100 के हैं तो आप पूरे को ऐड करते हैं और उसमें डिवाइड बाई 5 करते हैं, इंटू डिवाइड बाई 500 करते हैं, इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं ना, वही एवरेज है। एवरेज मार्क्स कितना आ जाए वही है परसेंटेज, मतलब आपकी जितना परसेंटेज आता है वो एक्चुअली ये बताता है कि उतने उतने मार्क्स अगर आपके सारे सब्जेक्ट में आते तो आपका इतना परसेंट होता। अब किसी में ज़्यादा किसी में कम होता है तो वो एवरेज निकालते हैं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बोलिए जल्दी बोलिए, सारे लोग बोलिए, ओके। अब यहाँ तक में क्लियर हो गया है तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं। अब ये देखिए एवरेज का जो फार्मूला होता है वो भी ज़रूरी है कि हम आपको बताएं, ये ठीक है, ये अप्रोच हमारी सही थी और हमने आपको समझाया। एवरेज क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज अगर हमारे x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं तो इन सब को हम जब ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय n करेंगे तो वो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। अच्छा अब आपसे हम ये पूछें कि अब देखिए ये जो हमारी पहली लाइन लिखी है, इफ ऑल द गिवन क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू देन द नंबर इटसेल्फ इज एवरेज।
अब आप खुद सोचिए कि आपके पास सबके पास सेम सेम अमाउंट है। अब हम ये क्या कहेंगे, सब जिसके पास मिनिमम अमाउंट है तो आप कहेंगे सर सबके पास मिनिमम अमाउंट है, हम कहेंगे चलो जितना भी ज़्यादा है वो आप दे दीजिए, आप जीरो जीरो रुपए देंगे। अब उसका एवरेज निकाल के हम आपको जीरो ही तो ऐड करवाएंगे, यानी आपके पास जितना अमाउंट है वही आपका एवरेज हो जाएगा। या आपके आपने पाँच पेपर दिए, सब में आपके 55 55 55 55 नंबर आए, तो आपका एवरेज भी 55 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर की सारे नंबर की क्वांटिटी सेम है तो उसका भी एवरेज की वैल्यू भी वही होगी। ओके, या आप ये देखिए, तीन हमने रॉड लिया था ना, एक छोटी एक बड़ी, अगर तीनों सेम हाइट की होती तो उसका एवरेज भी उतना ही होता ना। ठीक है, ओके, अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, ये कह रहा है इफ एवरेज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें एनालाइज करें कि और क्या चीजें हो सकती हैं। ये कह रहा है इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज आर नॉट सेम, then the average of the given quantities is always greater than the smallest number and always less than the largest number। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब एवरेज है, कई कई चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं, या आपके आपने पेपर दिया फाइव पेपर दिया, आपके जो मिनिमम मार्क्स आए होंगे और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आए होंगे, आपका एवरेज जो एवरेज बनता है वो उससे कम होता है ना, क्योंकि सबको ऐड कर रहे हैं, है ना। तो आप ये या आप ये देखिए कि जो अभी हमने रॉड लिया, सबसे छोटी वाली रॉड थी और जो सबसे बड़ी वाली रॉड थी, हमारा एवरेज उसके बीच में आएगा कहीं। आप एक और वो ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि 2, 4, 6, 8 और 10, इसका एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई हमारा 5 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 + 6 12 12 + 8 कितना हुआ हमारा 20 20 + 10 कितना हुआ 30 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आ गया 6। अब ये देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कितना है 2, सबसे बड़ा नंबर कितना है 10, क्या 6 इनके बीच में कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इत्तेफाक से यहाँ पर नंबर है। ठीक है, यानी हमारा एवरेज जो भी होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़े नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर से छोटा होगा। यानी एवरेज नंबर, एन का मतलब एवरेज नंबर, इज लेस देन ग्रेटेस्ट नंबर एंड ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट नंबर, यानी एस एन इज ग्रेटर देन ए एन इज ग्रेटर देन जी एन। ठीक है, जहाँ एस एन क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, ए एन क्या है एवरेज नंबर, और जी एन क्या है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखिए क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज इंक्रीज बाई अ कॉन्स्टेंट पी, देन द एवरेज इज ऑल्सो इंक्रीज बाई पी। मीन्स अब आप ये देखिए, अब आपके पास सारे लोग थे, उनके पास कुछ कुछ अमाउंट था, उससे एवरेज निकला। अब हमने कहा कि सबके पास 10-10 रुपए हम ऐड कर दे रहे हैं, तो एक्चुअली आपका सारे लोगों के पास 10-10 रुपीस बढ़ गया, तो अब अगर आपने सब लोग उसमें अमाउंट डालेंगे तो 10-10 रुपीस सबको बढ़ जाएगा। अब जब हम वापस करेंगे तो 10-10 एक्स्ट्रा वापस करेंगे ना, एवरेज में भी, तो एवरेज में भी 10 बढ़ जाएगा ना। या फिर आप खुद देख लीजिए एग्जाम्पल कि 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज कितना आया था अभी हमारा 5 आया था, एवरेज यही आया था ना। अब हम क्या करें कि सब में हम प्लस 1 कर दें, इसमें प्लस 1 कर दें, इसमें भी प्लस 1 कर दें, इसमें भी प्लस 1 कर दें, इसमें भी प्लस 1 कर दें। एक मिनट, एवरेज कितना आया था हमारा 6 आया था, 5 नहीं आया था, 6 आया था एवरेज हमारा, 6 आया था। ठीक है, एवरेज जो है हमारा यहाँ 6 आया था, आप ऐड करिए ना, 6 6 + 6 कितना हुआ हमारा 12 12 + 8 कितना हुआ 20 20 + 10 कितना हुआ 30 30 डिवाइड बाई 5 6 था एवरेज। अब अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11। तो ये कह रहा है इन सब का एवरेज जो होगा वो आप जब निकालेंगे वो क्या होगा, इसमें प्लस 1 कर दो यानी 7 एवरेज आएगा। देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हुआ 8 8 + 7 कितना हुआ हमारा 15 15 + 9 कितना हुआ हमारा 24 24 + 11 कितना हुआ 35। और इसको कितने लोगों में डिवाइड करना है, 5 लोगों में, इसको कितने लोगों में डिवाइड करना है 5 लोगों में, तो ये कितना आ गया हमारा 7। क्या ये एवरेज और ये एवरेज सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो यही कह रहा है कि अगर हर क्वांटिटी में अगर कोई फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं तो
एवरेज में भी वही फिक्स अमाउंट ऐड हो जाता है। ठीक है, सिंपल है ना, ये कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? रिस्पॉन्स कीजिए जल्दी से, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा है जिसके नहीं समझ में आ रहा हो? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके, रिस्पॉन्स कीजिए, कहिए यस सर समझ में आ रहा है। सारे लोग बोलिए, एक तरफ से सारे लोग बोलिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इफ ईच ऑफ गिवन क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट पी, देन द एवरेज इज आल्सो डिक्रीज बाय पी। आप कोई क्वांटिटी दी हुई है, उसमें से आप फिक्स अमाउंट अगर डिक्रीज करने लगे, डिक्रीज कर दीजिए, तो जो क्वांटिटी बचेगी आपकी, आपका एवरेज जो होगा उतनी क्वांटिटी में कम होगा। आप खुद सोचिए ना कि आपके पास कुछ अमाउंट था, हमने एवरेज निकाल लिया उससे, अब हम कहें कि सबके पास से 5 रुपए हम अलग हटा दे रहे हैं, तो आपके एवरेज में से भी 5 रुपए का हट कम हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना? आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे आपने कहा 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज आपने कितना निकाला था? 6 निकाला था एवरेज। अब हमने कहा सब में से -1 कर दें, सब में से -1 अगर हम करेंगे तो कितना कितना बचेगा? अगर सब में से -1 किया तो ये बचा हमारा 1, ये बचा हमारा 3, ये हमारा बचा 5, ये बचा हमारा 7, ये हमारा बचा 9। अब ये बताइए, इनका जो हमारा एवरेज होगा वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कि -1 कर दो 5 आएगा। अब हम चेक करते हैं क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 हमारा कितना हो गया 16, 16 + 9 कितना हुआ 25, तो ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाई कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना 5, तो ये 5 आएगा। क्या ये 5 और ये सेम आ रहा है ना एवरेज? यानी अगर हम किसी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एवरेज में, ठीक है? ये किस लिए बता रहे हैं कि कभी एवरेज में ये कहा कि सारे नंबर में से इतना इतना माइनस कर दिया गया, तो आप बता लेंगे। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन भी हम अप्लाई करवाएंगे ओरल सॉल्विंग में, ठीक है? अभी आप ओरल सॉल्व करेंगे तब। चलिए, अगर आप मल्टीप्लाई हम कर दें तब क्या होगा, इफ ईच ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाई अ कॉन्स्टेंट पी, देन देयर एवरेज इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई द पी। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, हम अगर जैसे कहीं पर लिखा हुआ 5 × 2 कर दिए, तो यानी 5 को हम 2 टाइम्स ले रहे हैं, यानी 5 + 5 हो रहा है। अगर 3 कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 + 5 + 5 3 टाइम हो रहा है ना, यही हो रहा है ना, बोलिए। उसी तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जितना अमाउंट था उतना और आपको हमने दे दिया, मतलब अगर हमने 2 टाइम्स किया तो जितना अमाउंट था उतना आपको सबको दे दिया, आपकी जो एवरेज आ रहा था वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा ना। अगर 3 टाइम्स कर दिया तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दिया 4 टाइम हो जाएगा, जितने टाइम्स करेंगे, 2.5 टाइम किया तो एवरेज भी 2.5 हो जाएगा। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कहा 2, 4, 6, 8, 10, इसका एवरेज कितना निकाला था आपने 6। अब आपने क्या कहा कि हम इसमें जो है सब में हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए, हमने आपसे कहा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सब में, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20, यही होगा ना, बोलिए। अब हम जो ऊपर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा एवरेज। अब चेक करके देखते हैं 12 आ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 8 कितना हुआ हमारा, समझ में आ रहा है ना, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 4 + 8 कितना हुआ 12, 12 + 12 कितना हुआ हमारा 24, 24 + 16 हमारा कितना हुआ, कितना हुआ 24 + 16 हमारा 40, 40 + 20 हमारा कितना हुआ 60, यानी टोटल 60 आया। इसको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 लोगों में, तो ये आ जाएगा हमारा 12। क्या ये एवरेज और ये एवरेज सेम नहीं है? यानी अब आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है? ये अभी क्यों पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। ये तो सबको मालूम होता है कि एवरेज में सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय उतने नंबर करना है। ये प्रैक्टिस, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको इनरिच करता है आपके कॉन्सेप्ट को, ठीक है? तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? क्लास कैसा लग रहा है, इसमें ये अप्रोच सही लग रही है ना? बोलिए, जल्दी बोलिए। कोई ऐसा जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो? ओके, चलिए
इसको आंसर कीजिए अब आप. द मार्क्स स्कोर बाई अ स्टूडेंट इन सिक्स सब्जेक्ट इज 88, 99, 88, 95, 85, 87. फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई मार्क्स स्कोर बाई हिम आर हर. चलिए बताइए एक अप्रोच क्या होगा, सबको आप ऐड कर दें. क्या क्या दिया हुआ है आपका, 88 प्लस 99 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 87 डिवाइडेड बाई कितने सब्जेक्ट हैं, सिक्स, सिक्स से डिवाइड कीजिए. अब आप हमसे बताइए इसको ऐड करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा. लेकिन अगर आप ये देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 85, 85 को अगर आप बेस मान लेते तो 85 से ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है. तो आप यहाँ लिखते 3 दिमाग में लिखते, और ये कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ना, तो आप ये 14 दिमाग में होता 17 आ जाता. और सॉरी 80 था, चलिए 85 से भी करते हैं, 85 से करते हैं, और जो 85 से कम होगा उसको माइनस में ले लेंगे. तो ये कितना है हमारा -5, ये कितना है हमारा 10, ये कितना है हमारा 0, ये हमारा कितना ज़्यादा है 2. तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17 प्लस 10 कितना हुआ हमारा 27 प्लस 2 कितना हुआ हमारा 29 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 24. यानी 24 डिवाइडेड बाई 6 कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4. यानी 85 से हमने 85 को बेस लिया था ना, 85 से प्लस 4 अगर हम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा. मीन्स 85 प्लस 4, सब में प्लस 4 सबको दे देंगे ना. 85 हमने मान लिया कि सबके पास 85 है, 80 वालों को भी हमने -5 दिया, इस वजह से 85 हम पहले से दे दिए. तो इसको कितना देना पड़ेगा हमको, हमको ये देना पड़ेगा, इसलिए माइनस लिया था ना उसको. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 89 हमारा एवरेज होगा. ठीक है, आप बेस 80 मान के भी कर सकते थे, हमने 85 मान लिया था, आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, इसको इसको अगर किसी को इसके अकॉर्डिंग करना है तो वो भी कर सकता है. तो आप करिए, यही आ रहा है ना. चलिए बताइए, बताइए सारे लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से. समझ में आ रहा है ना, किसी ने किया है इसको डायरेक्ट, सॉरी मतलब ऐड करके. ऐड करके किया है कि नहीं, बोलिए जल्दी से. अगर किसी ने ऐड करके किया होगा तो पूरे को ऊपर ऐड करेंगे तो ये 534 आएगा, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये 89 आ जाएगा. ठीक है, हमारा भी 89 आया. तो आप ये समझिए ऐड करने में टाइम लगता है, आप इस तरह ओरल कर सकते हैं क्योंकि आप क्वांटिटी को छोटा कर देते हैं. ठीक है, जो ऐड करना है. चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये यूपीएससी सीसैट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से बता दीजिए. चलिए इसको आप जिस तरह सॉल्व होता है वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जो हमने अभी अप्रोच बताया उससे कर सकते हैं. अब ये कह रहा है, आई स्टूडेंट ऑन हर 3 टेस्ट रिसीव एन एवरेज स्कोर एन एन पॉइंट. इफ सी एक्सीड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाई 20 ऑन द 4th टेस्ट, व्हेन व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्कोर फॉर द 1st 4 टेस्ट. अब आप ये देखिए, आपकी अप्रोच ये होती कि सबके पास ये 3 टेस्ट, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, समझाने के लिए बता रहे हैं, वरना आप इस अभी तक आंसर बता चुके होते. इसमें आपका n आया, इसमें n आया, इसमें n आया, यही कह रहा है ना. अब T4 में ये कह रहा है n प्लस 20 आया. तो अब ये देखिए हम ये क्या कहेंगे, जितना सबके पास मिनिमम है सब रोक लें, n है ना. अब 20 एक्स्ट्रा निकला तो 20 को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको, जल्दी बोलिए. 20 को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये 5 आ जाएगा. यानी 5 सबको दे देंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 5. दूसरा वाला कितना हो जाएगा n प्लस 5. तीसरा वाला कितना हो जाएगा n प्लस 5. चौथा वाला कितना हो जाएगा n प्लस 5. यानी हमारा एवरेज कितना हो जाएगा n प्लस 5. ये इतनी देर का क्वेश्चन था, ये हमारा सी सेट में, यूपीएससी सी सेट में, आईएएस की सी सेट में 2011 में आया हुआ था क्वेश्चन, 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके भी करते कि एक एवरेज में है इतना तो सब टोटल में हो जाएगा 3n, और उसमें फोर्थ में आया है तो n, तो 3n प्लस 1 n प्लस 20 तो 4n प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 तो n बाई n प्लस 5 आता. इतना अप्रोच आप कर सकते थे, लेकिन आपको क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ रहा है. तो चलिए ये क्वेश्चन बताइए, चलिए इसका समझ में आया ना, वो क्वेश्चन समझ में आया ना. कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो,
चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विस में 2007 में आया था ये क्वेश्चन। चलिए बताइए, ये कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ द 100 एम्प्लॉई इन द ऑफिस इज 16,000 पर मंथ। द मैनेजमेंट इज डिसाइड टू रेज सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉई बाई 5%। अब देखिए परसेंटेज आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आप इसका 5% निकालेंगे। 5% कितना होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका 10% कितना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे 1600, 5% कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा ना। तो इतनी जल्दी आपको बताना आना चाहिए 5% कितना, इतना बढ़ा दिया यानी आप इसकी सैलरी कितनी हो गई 16,800। बट स्टॉप द एम्प्लॉई और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिल रहा था 800 पर मंथ, जो कि जितना बढ़ा उतना उसने घटा दिया है। ठीक है, अच्छा 800 सैलरी बढ़ाया उसने और क्या किया, 5% बढ़ाया यानी 800 बढ़ाया 16,800। लेकिन पहले क्या है 8,800 जो है हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए मिलता था, तो हमारा 16,800 पहले भी सैलरी थी हमारी। अब ये कह रहा है विच वॉज पेड अर्लियर एवरी एम्प्लॉई वाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी, फिर वही उतनी हो जाएगी, 800 बढ़ाया और ट्रांसपोर्ट में 800 चली गई, तो हमारी सैलरी कितनी हो गई, वही 16,000 ही होगी। समझ में आया ना, 800 बढ़ाया और 800 हमारा ट्रांसपोर्ट का ले लिया तो इतनी ही होगी ना। ओके, या आप ये समझिए दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि 16,000 में 800 जो था वो ट्रांसपोर्ट का था, ठीक है, या उसमें जो है 800 अलग से मिल रहा था, इस 16,000 में 800 अलग से मिल रहा था। अब क्या हुआ, 800 अलग से मिलना बंद हो गया, ठीक है, तो 16,000 ही मिलेगी ना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द 5 मैन टू अ फंड इज 35 रुपीज़। 6 मैन ज्वाइन एंड पे 35 मोर देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 मैन, फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन। चलिए इसका आंसर करिए आप, ये भी हमारा सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट हमारा 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, ये क्या कह रहा है कि 5 मैन जो हैं फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 35 यानी 5 × 35 कितने लोग कर रहे हैं, 5%, यही कर रहा है ना, 1% 35 कर रहा है तो 5% कितना करेंगे, इतना। अब जो फोर्थ वाला है ज्वाइन करता है फोर्थ मैन, वो कितना पे करता है, 35 मोर देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6। अब ये 1% और आया, अब जो एवरेज इनका बनने वाला है, सपोज एवरेज जो है एक से आने वाला है, एवरेज जो है हमारा एक से आने वाला है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स प्लस 35 कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एवरेज निकाल लीजिए और एवरेज जो निकलेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा एवरेज कैसे निकलेगा, 5 लोगों के पास कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5 × 35 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेक्स्ट आदमी जो आया वो कितना कर रहा है, एक्स प्लस 35 कर रहा है, इसका एवरेज कितने लोग हो गए, 6, इसकी वजह से कितना एवरेज बन रहा है, एक्स बन रहा है, जबी तो एक्स प्लस 35 कर रहा है ये। अच्छा इसको हम अगर 6 को इधर राइट साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 × 35 प्लस एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 6x, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये 6 × 35 हो जाएगा ना, 5 × 35 है प्लस 1 एक और ऐड होगा, 35 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 35 इज इक्वल टू एक्स को अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 42, यानी एवरेज इनका कितना हो जाएगा 42, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट यही होगा ना, 5 × 35 × x + x + 35 यानी 6 को इधर ले जाएं, यानी 6x ही हमारा टोटल अमाउंट होगा ना। या आप ये खुद देखिए कि एवरेज 42 निकला, 42 कितने लोगों को आपने दे दिया, 6 लोगों को दिया, तो 42 + 42 + 42 + 42 यानी 6 टाइम ना, तो 6 × 42 तो ये हमारा जो होगा एवरेज आ जाएगा, ठीक है, कितना आया हमारा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए कितना आया, ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जिसका जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है।
ओके, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी बात है, अगर है प्रॉब्लम तो पूछिए आप। अब एवरेज एज के बारे में बात करते हैं। एवरेज एज के एक्चुअली बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो हम उसको फार्मूला भी बता देंगे, जिसको अगर ओरल नहीं समझ में आ रहा है वो फार्मूला ये देखेगा, फार्मूला से याद कर लेगा और फार्मूला से सॉल्व करेगा, जिसको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और एवरेज समझ में आएगा कि हम जैसे हमने अभी कहा था ना कि कट करके हम ऐड कर रहे हैं सबको, जैसे तीन हमने रॉड लिया था उसमें जिस सबसे छोटी रॉड थी उसको हमने क्या बनाया था, एक पैरामीटर बनाया था, उसके अकॉर्डिंग जो जितना भी स्ट्रॉ हो रही थी उसको कट करके हम ऐड करके उसको डिवाइड करके सब में ऐड कर दे रहे थे, यही कर रहे थे। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा हमको, मतलब बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं समझ में आ रहा है किसी के, तो वो क्या करेगा कि ये जो फार्मूला भी हम डिस्कस कर लेंगे, फार्मूला इसलिए से डिस्कस करेंगे क्योंकि हम हमारा फार्मूला भी होना चाहिए। अब ये कह रहा है व्हेन अ पर्सन, इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब एवरेज एज के कॉन्सेप्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि व्हेन अ पर्सन इज लीव अ ग्रुप एंड अनदर पर्सन इज ज्वाइन द ग्रुप एट द प्लेस ऑफ द पर्सन लेफ्ट, देन ऐसा होता है ना कि 15 लोग थे उसमें से उनकी एवरेज एज इतनी थी, उसमें से एक निकल गया और एक न्यू ऐड हो गया, तो अब उनकी एवरेज एज क्या होगी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर एवरेज एज इंक्रीज हो रही है तो आप खुद आपका कॉमन सेंस ये कहना चाहिए कि आप ये देखिए कि 15 लोग थे, एक पर्सन चला गया, अब एक उसकी जगह एक पर्सन और आ गया, तो एवरेज एज इंक्रीज हुई, इसका मतलब जो न्यू आया है वो अपनी एज ज़्यादा लेके आया है, जब भी तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एवरेज का मतलब ये है कि सबके पास जितना था उसके पास उतना ही रहा, उसके अलावा एक्स्ट्रा था जो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यही तो मतलब हुआ। 15 लोगों के पास मान लो 15 लोगों की एवरेज एज जो थी 50 थी, अब एक न्यू आदमी वो एक लीव हुआ और एक न्यू आ गया, जिसकी वजह से उनकी एवरेज एज जो हो गई हमारी 30 हो गई, सॉरी 15 लोगों की एवरेज एज कितनी हमने बताया था 15 थी, सपोज 15 लोगों की एवरेज एज 15 थी, अब एवरेज 15 लोगों की 15% की एवरेज एज जो हमारी वो थी वो मान लो 15 ईयर थी। अब क्या हुआ, इनमें से 15 में से एक निकल गया, 15 ईयर थी, अब इसमें से एक रिमूव हुआ और एक शामिल हुआ, जिसकी वजह से इनकी एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो गई, मतलब 16 ईयर हो गई। ठीक है, अब तुमसे पूछ सकता है जो न्यू आदमी आया उसकी एवरेज एज ज़्यादा होगी कम होगी, अब तुम खुद सोचो कि जब ये निकल रहा है तो ये अपना अमाउंट लेके निकल रहा होगा, जितना भी लेके निकल रहा हो, अब ये जो न्यू आया है वो उसको तो फिल कर रहा होगा, साथ में वो 14 लोगों को 11 और दे रहा होगा, अपने पास 16 रख रहा होगा और लोगों को 11 दे रहा होगा 14 लोगों को, यानी उसके उसकी एज कितनी होगी हमारी 16+14 होगी 60। अब यहाँ पर 15 थी एज, सबकी 15-15 थी, ठीक है, कितने लोग 14 लोगों की, सबको +1+1 कितने लोगों को दिया 14 लोगों को, अपने पास कितना रखा 16, तभी तो 16 एवरेज एज हो गई, यानी उसकी एज कितनी थी 30, जो न्यू आदमी आया उसकी एज 30 थी। ये अप्रोच भी आपकी हो सकती है। ये क्या है, कट करने वाला जो हमने मेथड बताया वो था। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो अब आप ये देखिए, ये कह रहा है इन केस ऑफ इंक्रीज द एवरेज एज, एज ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू क्या होगा, एज ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इंटू इंक्रीज इन द एवरेज एज। अब आप इसको कैसे निकलेंगे कि हमको निकालना है एवरेज एज ऑफ न्यू कमर, न्यू जो आया है ना, एज ऑफ द लेफ्ट जितना उसकी थी उसकी हमको पता चले, और नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप यहाँ पर कितने थे 15, और इंक्रीज कितने हो रही 1, इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं। ओके, जिससे यहाँ पर से लेफ्ट किया, हम ये कहते हैं कि जो लेफ्ट किया उसकी एज जो है 15 ईयर थी, तो वहां से निकल आता है। ओके, समझ में आया ना, मीन्स जो निकल रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ये जो हमने अभी बात किया था ना कि ये कितना होगा, जो निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी होगा। अच्छा, इन केस ऑफ डिक्रीज द एज, यानी अब जो न्यू आया वो जो निकला है उससे कम एज रही होगी ना उसकी, जब भी तो कम हो गया एवरेज, तो वो क्या होगा, एज ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू एज ऑफ द पर्सन लेफ्ट माइनस एज ऑफ द पर्सन इन द ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इंटू डिक्रीज इन द एवरेज एज, यानी हमारा यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, सेम फार्मूला होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप इस फार्मूला भी लगा सकते हैं और जो हम अप्रोच कह रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है,
तो ये फार्मूला जो है आप नोट डाउन करिए। नोट कर लिया ना आपने? ओके, समझ में आ रहा है ना? सारे लोग बोलिए। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन पे जो है आप इसको करिए, क्या कह रहा है? द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 10 ईयर। इफ वन ऑफ द फ्रेंड लीव द ग्रुप बट एट हिज प्लेस अनदर फ्रेंड हुज एज इज 22 ज्वाइन द ग्रुप, द एवरेज एज बिकम 8। फाइंड द एज ऑफ एज हु लेफ्ट द ग्रुप। तो या तो आप इस फार्मूला से करिए कि अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, एज एवरेज एज 10th ये कम हो जा रही है, यानी एवरेज ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा। न्यू कमर इज इक्वल टू एज ऑफ जो लेफ्ट किया है, तो हम ये लिखते हैं। अगर फार्मूला वाइज करना है तो आप कैसे करेंगे, एज ऑफ न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो न्यू आया इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एज ऑफ फ्रेंड लेफ्ट, एज ऑफ फ्रेंड लेफ्ट, यही फार्मूला है, माइनस नंबर ऑफ पर्सन कितना है यहाँ पर, तो यह लिख लें नंबर ऑफ पर्सन इन ग्रुप इनटू डिक्रीज इन एवरेज। यही तो हमने फार्मूला निकाला, डिक्रीज इन एवरेज ये है। अब आप देखिए न्यू जो आ रहा है उसकी एज कितना है, 22 इज इक्वल टू जो लेफ्ट हुआ उसकी सपोज x है, ठीक है, इज माइनस नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पर, 10 है, उसके बाद इनटू यहाँ पर डिक्रीज इन एज कितना हो रहा है एवरेज एज में, 10 एवरेज एज थी अब कितनी बची, नंबर ऑफ फ्रेंड तो 10 हमने लिख लिया, अब 10 एवरेज एज थी अब कितनी बची 8, तो -2 हो रहा है ना, ये बोलिए जल्दी बोलिए, यही हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 22 इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 20, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सॉरी एज में हमारा डिक्रीज कितना हुआ हमारा, 10 माइनस 8 हुआ, सॉरी 10 माइनस 8 हुआ, ये प्लस 2 होगा, सॉरी प्लस 2 होगा, ये प्लस 2 होगा, तो ये माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हैं यहाँ पर हम, तो ये हो जाता है हमारा 10 माइनस 8 लिखेंगे ना कि 8 माइनस 10 लिखेंगे, ये तो इंक्रीज हो रहा है, जो पहला रहेगा फिर उसके बाद जो आएगा वो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 42, यानी जो हमारा पहले गया है उसकी एज कितनी रही होगी, 42। ओके, समझ में आया ना? अच्छा, अब हम अपने अप्रोच से करें कि अगर हम इसको ओरल करना चाहते तो कैसे करते हैं? आप बताइए कि आपकी समझ में आया ना, 42 होगी। अब आप देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को कि 10 लोग थे जिनका एवरेज कितना था, 10 ईयर। अब एक पर्सन जा रहा है तो वो अपनी एज तो लेके जा ही रहा है, वो जो पर्सन जा रहा है, वो पर्सन जो जा रहा है उसके जाने से और इसके आने से, यानी वो सिर्फ जाता और एवरेज एज में कोई फ़र्क पड़ता तो सिर्फ जाने की बात करते हैं, उसके जाने से और 22 के आने से एवरेज एज का फ़र्क कितना पड़ा हमारा, 8 पड़ा। यानी जब वो गया, सपोज उसकी एज x से थी, अब लेकिन हमने x से वो, यानी ये 10 लोगों के पास जो भी अमाउंट था सब में से वो अपना अमाउंट लेके निकल गया, तो अगर सबको अगर वो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो वो अपना अमाउंट लेके, एज है लेकिन अमाउंट मान लीजिए, अमाउंट वो लेके निकल जाएगा, लेकिन उसने क्या किया कि आप ये समझिए कि 22 रुपए इसमें डाल के गया, 22 एज वाले को इसमें पुट किया ना उसने, तो जिसकी वजह से सबकी एवरेज एज में डिक्रीज जब भी हुआ कितने का, 2 का, यानी एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, एक्स माइनस 22 जब हो रहा है तो वो कितना अमाउंट था, 10 एवरेज था, अब 10 के अलावा वो जब निकल गया तो 2 कम हो गया सबके पास, यानी 9 लोगों के पास कितने का, 10 लोग थे, आप समझिए 10 लोग थे,
टेन लोग थे, टेन लोगों में से वो एक पर्सन निकला और एक चीज को उसने ऐड किया, यानी फिर से टेन हो गए। सारे टेन का कितना कम हो गया, टू टू कम हो गया, यानी ट्वेंटी कम हो गया, ट्वेंटी कम हो गया ना पूरे अमाउंट में, ट्वेंटी वो उसके पास होगा, ट्वेंटी टू उसने दे दिया, यानी उसके पास टोटल कितना रहा होगा, फोर्टी टू रहा होगा ना। समझ आया ना, ये अप्रोच समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई फिर से सुनिए आप रिवाइंड करके। आप यहाँ पर अभी अभी नोटबुक में लिखिए कि हम जो है इसको जो है रिवाइज करेंगे, नोटबुक में लिखिए अपने। ओके, यहाँ तक में क्लियर हो गया ना सबका? क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे की बात करते हैं। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है, व्हेन अ पर्सन इज ज्वाइन अ ग्रुप विदाउट रिप्लेसिंग एनी प्रीवियस पर्सन फ्रॉम द ग्रुप। अब ये क्या है कि कितने लोग थे, 15 लोग थे, एक नया आदमी आया जिसकी वजह से या तो एवरेज बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर उसकी 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 एज जो लोग हैं उनसे ज़्यादा होगी तो एवरेज बढ़ जाएगा, अगर उसकी एज उन सब एवरेज इनसे कम होगा तो एवरेज कम हो जाएगा। अच्छा, बढ़ेगा कैसे, जब मान लो जैसे सब आप लोग 10 लोग हैं, अब आपकी एवरेज 15 है, एक आदमी आया जिसकी वजह से आपकी एवरेज एज 16 हो गई, तो उसकी एवरेज एज कितनी रही होगी आप बताइए। यानी आप 10 लोग हैं, आपको 15 एवरेज एज थी, यानी वो आके आपको एक एक सबको दे दिया ना, 15-15 रुपए था आपके पास, एक एक रुपए दे दिया, जब भी तो आपके 16 हो गया, और अपने अपना भी 16 रखा था, अभी तो एवरेज में आया, तो 16 प्लस 10 उसका 26 होगा ना, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं ओरल, या फिर हम ये कहें कि इन केस ऑफ इंक्रीजिंग इन द एवरेज, एज ऑफ द न्यू कमर इज प्रीवियस एवरेज एज ऑफ प्रीवियस एवरेज एज इंटू नंबर ऑफ ऑल पर्सन इंक्लूडिंग न्यू कमर इंटू इंक्रीज इन एवरेज, जितना इंक्रीज में हो रहा है, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एज ऑफ न्यू कमर इज इक्वल टू प्रीवियस एज ऑफ प्रीवियस एवरेज एज और नंबर ऑफ ऑल पर्सन इंक्लूडिंग न्यू कमर इंटू डिक्रीज इन द एवरेज एज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए आप, अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट की एवरेज एज इन क्लास इज 5 ईयर, इफ द टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 8 ईयर, फाइंड द टीचर एज। तो टीचर की एज कितनी होगी, अब आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप अप्रोच जो हमने बताया उससे करिए। अगर आप फार्मूला वाइज कर रहे हैं तो करके निकालिए, लेकिन अगर आप फार्मूला वाइज नहीं करके अगर आप ये अप्रोच करिए कि 20 स्टूडेंट हैं सबके पास, अगर 5 ईयर की जगह 5-5 रुपए मान लीजिए, अभी 20 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट सेकेंड, स्टूडेंट थ्री, सॉरी 20 स्टूडेंट हैं हमारे, स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट सेकेंड, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट 20 स्टूडेंट, सबके पास कितना कितना रुपए है, सपोज 5-5 ईयर के हैं वो, एवरेज का यही मतलब है ना। अब एक टीचर आ गया, टीचर के आने से इनकी एवरेज एज कितनी हो गई, प्लस थ्री, यानी टीचर ने कितने स्टूडेंट को प्लस थ्री दिया, 20 स्टूडेंट को दिया ना, तो और टीचर को मिला के, टीचर को, टीचर के पास बची कितनी, उसके पास 8 बची ना, जब भी तो एवरेज एज उसकी 8 होगी, इन सबकी 8 हो गई और इनको और टीचर की भी 8 हुई, टीचर और इनको स्टूडेंट को मिला के एवरेज एज 8 हुई। अब ये देखिए सब कुछ ने 3-3-3-3 दिया, कितने लोगों को 3 दिया, 20 लोगों को, 20 इंटू 3 कितना हो गया हमारा, 60 हो गया, और टीचर अपने पास कितना रखा हुआ है, 8 रखा हुआ है, तो 68 ईयर का होगा ना टीचर, बोलिए यही होगा ना। समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ये अप्रोच नहीं समझ में आई तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, और फार्मूले के बाद आप, अब फार्मूला कैसे निकलता है उस पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है, ये अप्रोच क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, ये आप तो लॉजिकल चीज़ें हैं, आप इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम बोल रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप जो है ओरल कर देंगे। ओके, चलिए, अगर फार्मूला से करना होता तो आप कैसे करते, आप ये क्वेश्चन क्या था हमारा, एज ऑफ 20 स्टूडेंट, आप ये कहते एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू कितना आप लिख सकते थे, जो एज ऑफ न्यू कमर, तो एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू क्या होता हमारा, हमारा क्या होता था, प्रीवियस एवरेज एज, ठीक है।
प्लस नंबर ऑफ ऑल पर्सन इंक्लूडिंग टीचर, नंबर ऑफ ऑल पर्सन इंक्लूडिंग टीचर, साथ में क्या आता है, इनटू इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज। यही होता है ना, बोलिए, इंक्रीज इन एवरेज। तो अब इसमें फार्मूला, ये टीचर की एज हमको निकालना है, मान लीजिए वो एक्स है, इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज हमारा कितना था बताइए, प्रीवियस एवरेज एज कितनी थी, फाइव ईयर थी ना, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ ऑल पर्सन, पहले कितने थे 20 प्लस एक टीचर, ठीक है, इनटू इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ, 8 माइनस 5 हुआ ना, इंक्रीज की बात कर रहे हैं, पहले 5 था तो अब 3 हुआ ना ये इंक्रीज, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 21 इंटू 3, तो 21 इंटू 3 कितना हुआ हमारा 63, प्लस 5 कितना हुआ 68 ईयर। तो इसको आप इस अप्रोच से भी निकाल सकते हैं फार्मूला वाइज, वरना जो अप्रोच हम बता रहे हैं अगर आपने उसको सीख लिया एक बार, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप उसको लगा देंगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, कौन से अप्रोच, चलिए बताइए कौन से अप्रोच आपको बेटर लग रही है, किसको कौन सी अप्रोच बेटर लग रही है, जल्दी बताइए, पहली अप्रोच ये फार्मूला वाली, दूसरा ओरल वाली, फार्मूला या ओरल, जल्दी बताइए कौन सी अप्रोच आपको बेटर लग रही है, फार्मूला या ओरल, कमेंट बॉक्स में जल्दी 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 लिखिए जल्दी से। बोलिए जल्दी बोलिए, सारे लोग बोलिए, ठीक है, वो लोग जिनको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, उनको नो डाउट सबको होता ही है कि वो जो ओरल अप्रोच है वो उसको हम पसंद करते हैं, ठीक है, कोई भी पसंद करेगा उसको। चलिए अब ये कह रहा है, व्हेन अ पर्सन लीव द ग्रुप बट नोबडी ज्वाइन द ग्रुप देन, अगर एक पर्सन लीव हो गया तो अब आप बताइए एवरेज बढ़ेगा कि घटेगा, दोनों हो सकता है, आप ये ना कहिएगा कि एवरेज घटेगा ही या बढ़ेगा ही, आप ये देखिए कि अगर जो आदमी है सबके पास, आप 10 लोग हैं, अलग अलग अमाउंट था, उसमें सबसे ज़्यादा पैसे वाला जो था वो निकल गया तो एवरेज का डाउन हो जाएगा, सबसे कम पैसे वाला जो था, पैसा एवरेज से कम पैसे वाला जो था वो निकल गया तो क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो एवरेज से पैसा ले रहा होगा ना, मान लो किसी एवरेज 9 है और उसके पास अमाउंट था 7, तो 2 रुपये वो किसी का लिया हुआ होगा ना, जब वो जाएगा तो अपना 7 रुपये लेके जाएगा, 9 रुपये लेके नहीं जाएगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन केस इंक्रीज द एवरेज, एज ऑफ द पर्सन लेफ्ट इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज एज माइनस नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इनटू इंक्रीज इन एवरेज। देखिए सारे फार्मूला सेम टाइप के हैं, दूसरा इंक्रीज इन केस डिक्रीज इन एवरेज एज इज इक्वल, वो सेम फार्मूला होगा, यहाँ पर ये लिखा नहीं है, एज ऑफ अ पर्सन लेफ्ट इज इक्वल टू प्रीवियस एज ऑफ द पर्सन, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी एज ऑफ पर्सन लेफ्ट इज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज एज ऑफ द प्रीवियस एवरेज एज प्लस नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इनटू डिक्रीज इन एज, ठीक है, अगर ये चीज़ आपने नोट कर ली और कुछ समझ में आ गया है तो अब ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 15 ईयर, इफ वन फ्रेंड लीव द ग्रुप द एवरेज बिकम 16 ईयर, फाइंड द एज ऑफ पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप। अब आप बताइए कौन सी अप्रोच आप प्रिफर करेंगे और आंसर कितना होगा, चलिए आंसर बताइए जल्दी बताइए। अब आप ये देखिए उसकी एज कितनी भी रही हो, सपोज हमारे कितने पर्सन है, 10 पर्सन है, इनकी एवरेज एज 15 थी, अब इसमें से एक रिमूव हो गया, एक पर्सन निकला जिसकी वजह से इनकी एवरेज एज कितनी इंक्रीज हो गई, 1, यानी 16 हो गई, तभी तो 16 एवरेज हो रही है, यानी 9 लोगों की एवरेज एज कितना हो गई इंक्रीज, 9 लोगों की एवरेज एज कितनी इंक्रीज हो गई,
प्लस वन प्लस प्लस वन यानी प्लस नाइन, यानी ये प्लस नाइन छोड़ के जा रहा होगा। अच्छा, इसके पास जब एवरेज एज 15 थी तो इसके पास भी 15 था, लेकिन उसने 9 छोड़ के गया तो इसके पास बचा कितना, 6 बचा ना, तो उसकी एज कितनी रही होगी, 6 ईयर। समझ में आया कि नहीं? ये हम बोल रहे हैं कि 15 ईयर सबके पास थी, जो पर्सन जा रहा है इसके पास भी 15 ईयर थी, लेकिन इसने क्या 15 अगर लेके जाता तो सबकी एवरेज 15 होती, 15 15 15 15 सारे लोगों को, 10 लोगों को होती। लेकिन जब वो लेफ्ट कर रहा है तो 9 लोग जो बच रहे हैं उनकी एवरेज एज कितनी इंक्रीज हो जा रही है, 1। तो सबके पास वो यानी वो 9 लोगों को कितना देके जा रहा है, 15 में से कितना देके जा रहा है, 1+1+9 देके जा रहा है, 9 देके जा रहा है, यानी वो लेके कितना जा रहा है, 15-9 6 लेके जा रहा है, यानी उसकी एवरेज एज, उसकी एज कितनी रही होगी, 6 ईयर ना। तो ये ऑप्शन सी सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आया है अभी भी, तो आप फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं। फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज ऑफ द फ्रेंड लेफ्ट, एज ऑफ फ्रेंड लेफ्ट इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, प्रीवियस एवरेज, प्रीवियस एवरेज कितना था हमारा 15, यही तो है ना, माइनस जब अगर इंक्रीज हो रही तो माइनस करना था ना हमको, माइनस पर्सन लेफ्ट कितने थे, तो पर्सन लेफ्ट कितना हुआ, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट, तो 10-1 होंगे, नंबर ऑफ पर्सन 10-1 होंगे ना, यही होगा ना, इंटू ये कह रहा है कि इंक्रीज इन एवरेज एज, तो ये हो जाएगा 16-15, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 15-, ये हो जाएगा 9 × 1, यानी ये आ जाएगा हमारा 6 ईयर। अब बताइए आपको कौन सी अप्रोच बेहतर लग रही है, जल्दी बोलिए, फर्स्ट अप्रोच जो ओरल कर रहे हैं, या सेकेंड अप्रोच जो हम फार्मूला वाइज कर रहे हैं, बोलिए 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 जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, कौन सी अप्रोच आपको बेहतर लग रही है, बोलिए बोलिए सारे लोग बोलिए, कौन सी अप्रोच है बेहतर लग रही है आपको। ओके, जो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमको ओरल वाली अप्रोच अच्छी लग रही है, उनकी ये बात हमको अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका थिंकिंग पावर डेवलप होगा, तो ये ज़रूरी है कि आप ये करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए अब हम आगे देखते हैं, चलिए ये क्वेश्चन करिए आप, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 5 इनिंग वाज 50 रन पर इनिंग, इफ आफ्टर 51 इनिंग हिज इज एवरेज इज 51 पर इनिंग, देन व्हाट वाज स्कोर इन 51th इनिंग। कोई एक बैट्समैन है, यहां पर ये एक द एवरेज एज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 50 इनिंग, इसको 50 इनिंग कर लीजिए, गलती बार बार हो रही है, 50 इनिंग में 50 थे, अब 51 इनिंग में 51 हो गए, तो हमारा 51 देखिए आप 50 इनिंग उसने खेला जिससे उसकी एवरेज कितना था 50, किसी में ज़्यादा मारा किसी में कम मारा, या उसके पास हर इनिंग में उसने 50 50 50 50 बनाया, अब उसने 51 इनिंग जब खोला तो उसका एवरेज कितना हो गया 51, यानी अब इसकी टोटल इनिंग कितनी हुई 51 ना, अभी तक कितनी इनिंग थी 50 इनिंग थी, यानी सबके पास कितना कितना था 50 50 50 50, कितने लोगों के पास 50 लोगों के पास 50 मैचेस में 50 इनिंग थी, अब ये 51th इनिंग जब उसने खेला तो कितना रन बनाया कि सबकी कितना बढ़ जाए प्लस वन, 51 हो रही है ना, तो प्लस वन, और ये अपने पास भी 51 रखे, यानी ये अपने पास 51 तो रखा ही, साथ में कितना प्लस वन दिया इसने, वन वन रन कितने लोगों को दिया, 50 इनिंग को दिया ना, तो 1+1+1 50 हुआ, तो ये 50 इसने 51th इनिंग में कितना बनाया होगा 51+50 50, क्योंकि वो दे रहा है, यानी 101 बनाया होगा ना, बोलिए आप बोलिए जल्दी बोलिए, यही बनाया होगा ना,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबके? ठीक है, तो 51th इनिंग में उसने कितना बनाया होगा? 101 रन। ओके, क्लियर, क्लियर आर नॉट? बोलिए, समझ में आ रहा है ना? बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर करिए। द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 45 इनिंग इज 46 रन पर इनिंग। इफ आफ्टर 47th इनिंग हिज एवरेज इज इंक्रीज बाई 2, देन वाट वॉज हिज स्कोर इन 46 एंड 47th इनिंग, गिवेन स्कोर इन 46 इनिंग एंड 47th इनिंग इज इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि एक बैट्समैन है, उसने कितनी इनिंग खेला? 45 इनिंग खेला, 45 इनिंग। फर्स्ट इनिंग में तो उसका एवरेज कितना है? 46, सबके पास 46 है। अब इसने दो मैच और खेल लिया, जिसकी वजह से इसका एवरेज कितना बढ़ गया? 2 रन। यानी 2 इसको दिया, 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 यानी सबको 2। अब लेकिन इन दोनों में ये कितना है? 2x। अच्छा, यानी इस इनके पास जो है, अब आप ये देखिए 2 2 2 2 2 2 बढ़ गया। अब ये देखिए, ये दोनों इनिंग में अगर इसमें एक्स था तो इसमें भी एक्स होगा, है ना? दोनों इनिंग में सेम बनाया था। अब अगर इनका एवरेज 48 हो गया तो इसका भी 48 होगा और 48 इसका होगा, यही होगा ना? 48 48 बचेंगे, यानी ये कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो आप ये देखिए, दोनों मिलकर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? कितने इनिंग को? 45 इनिंग को कर रहे हैं ना, 2 2, तो 45 into 2 यानी 90 कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों मिलके? तो 90 दोनों मिलके कर रहे हैं, तो हमारा ये दोनों इनिंग में दोनों मिलके कितना बनाए होंगे? 46 और 47 में 2x बनाए होंगे, और 2x में से 2x एक्चुअली है कितना? 48 प्लस 48 प्लस 90 है, यही तो है ना? यानी 90 इन दोनों से मिलके गया ना इक्वल, तो 48 प्लस 48, 48 कैसे होगा? 46 प्लस 2 होगा, जब भी तो 48 रखेंगे, जब भी तो इनके एवरेज में होंगे, जब भी तो इनका एवरेज 2 रन बढ़ रहा है प्लस 90, तो ये हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, अगर नहीं समझ में आ रहा इसलिए हमने इसको बोला है, 48 प्लस 48 कितना होगा हमारा? 96, 96 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा? 186 आया, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? अगर ये होता है हमारा 93 आया कि नहीं, बोलिए 93 आया ना, यानी 46 इनिंग में भी उसने 93 रन बनाया होगा, 47 इनिंग में भी 93 रन बनाया होगा। ओके, समझ में आया ना? क्लियर, क्लियर है ना? बोलिए जल्दी से। बोलिए जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया ना सब? ओके, अगर ये क्लियर है तो चलिए क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट एंड टीचर रिड्यूस 1 ईयर इफ वी एग्जीक्यूट एक्सक्लूड टीचर। मतलब ये कह रहा है 20 स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है, तो इनकी एवरेज कुछ थी। अब हमने अगर टीचर को रिमूव कर दिया तो इनकी एवरेज जो, अगर एवरेज ए थी तो अब क्या हो जा रही है? ए माइनस वन निकलने से। इफ द इनिशियल एवरेज इज 15 ईयर, यानी अगर हमारी इनिशियल एवरेज जो है 15 ईयर थी, तो हमारा फाइंड द एज ऑफ द टीचर, ये कह रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इसको, आप हम दोनों मेथड बता देते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जनरल अप्रोच से भी देख सकता है, ओरल कैसे करेंगे। आप ये देखिए, जब ये टीचर रिमूव हो रहा है तो सबके में कितना कम हो जा रहा है? 1 1 1 1, कितने लोगों में, कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट है ना, 20 स्टूडेंट है, तो सबसे ये इससे 1, इससे 1, इससे 1, इससे 1, इससे 1, सबसे 1 लेके जा रहा है, तो टीचर कितना लेके जा रहा है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सबसे 1 1 1 लेके जा रहा है ना। तो अब इनका एवरेज 14 बच रहा है, तो अब आप ये देखिए कि टीचर
टीचर जब यहाँ रहा होगा तो उसका भी एवरेज 15 रहा होगा। अब वो जब जा रहा है तो 15 के तो जा ही रहा है, लेके साथ में सबसे 1-1 लेके जाएगा, जब भी तो उनकी एवरेज 1 कम हो जाएगा, तो 15+20 लेके जा रहा है, यानी उसकी एवरेज एज कितनी होगी 35 ईयर, उसकी एज कितनी होगी 35 ईयर। ठीक है, समझ में आया ना? जिसको नहीं समझ में आया वो कैसे करे, जिसको नहीं समझ में आया वो कैसे करे, वो ये मान ले कि मान लो S1+S2+S3+S20 सारे हम क्वेश्चन जो है ओरल कर दे रहे थे, लेकिन हमको लगा कि अभी कि करना चाहिए, प्लस टीचर डिवाइडेड बाई कितना हुआ हमारा 21 इज इक्वल टू एवरेज एज कितनी थी 15। अब हमारा क्या कह रहा है कि टीचर को हमने रिमूव कर दिया, अच्छा यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी S1+S2+S20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगी हमारी प्लस टी इज इक्वल टू ये हो जाएगी 21 × 15। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि अगर टीचर को हटा दिया यानी S1+S2+S3+S20 डिवाइडेड बाई 20 स्टूडेंट बचे, तो अब इनकी एवरेज कितना है 1 रिड्यूस हो जा रही है यानी 14 होगी, यानी तुम लिख सकते हो S1+S2+S3+S20 इज इक्वल टू 20 × 14। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यानी इक्वेशन सेकंड से अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, इतनी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20 × 14 प्लस टीचर इज इक्वल टू 21 × 15, यही होगा ना? तो हमारा टीचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 × 15 × 20 × 14। तो 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 31 आया, 15 × 2 = 30 + 1 = 31। माइनस, ये माइनस होगा ना, यहाँ पर यहाँ माइनस होगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 14 × 0 = 14, 0 = 0, 14 × 2 = कितना है, ये 35 आ रहा है ना, आपने 35 निकाल लिया था ना ओरल भी, तो इस तरह से भी अप्रोच करके आप निकाल सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया तो वो ऐसे ही करें। ओके, क्लियर है ना? बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए, क्लियर और नॉट? ओके, क्लियर है सारे लोगों को? चलिए, ये क्वेश्चन करिए आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ 30 स्टूडेंट इंक्रीज बाई 0.5 ईयर इफ इंक्लूड द टीचर, इफ द इनिशियल एवरेज इज 13.5 ईयर फाइंड द एज ऑफ द टीचर। ओरल बोलिए, ओरल बोलिए, किसका कितना आंसर आ रहा है, ओरल बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, आंसर करिए, आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए, अब आप देखिए आपकी अप्रोच ये होती है कि 30 स्टूडेंट हैं, सबकी एवरेज एज, इनिशियल एवरेज कितनी थी 13.5, यानी 13.5 यहाँ है, 13.5 यहाँ है, 13.5 यहाँ है, सबके पास कितना कितना है 13.5 एवरेज एज है, कितने स्टूडेंट की, 30 स्टूडेंट की। अब देखिए क्या करता है कि एक टीचर हम लाते हैं जिससे इनका एवरेज कितना इंक्रीज हो जाता है 0.5, यानी अब एवरेज एवरेज इंक्रीज हो जाता है, मतलब इनका सबका एवरेज कितना हो जा रहा है 14 हो जा रहा है ना, 13.5 में से 0.5 ऐड हो जा रहा है, यानी टीचर का भी एज कितनी होगी 14 इसके पास बचेगा, बाकी 0.5 कितने लोगों को टीचर दे दे रहा है, इसको 0.5 दे रहा है, इसको 0.5 दे रहा है, इसको 0.5 दे रहा है, जब भी तो सबकी 14 हो रही है, यानी 0.5 कितने लोगों को दे रहा है, 30 लोगों को, 0.5 × 30 कितना हो जाएगा हमारा, 0.5 का मतलब 1/2 है, 1/2 × 30 कितना हो जाएगा 15, यानी ये 15 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और 14 अपने पास रखेगा, तो टीचर की एज कितनी हो जाएगी हमारी 29, तो एज ऑफ टीचर कितनी हो जाएगी 29। समझ में आया कि नहीं, बोलिए जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए 29 ईयर हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो आप अगर अप्रोच देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, ये क्या कह रहा है हमारा, कितने स्टूडेंट का, 30 स्टूडेंट का, S1 + S2 + S3 + S
30 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 13.5। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस थर्टी इज इक्वल टू 30 इंटू 13.5। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमारा क्या कि अब हमने टीचर को ऐड कर दिया, एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस थर्टी प्लस टीचर डिवाइडेड बाई 30 हो गया कि 31 हो जाएगा ना, 30 स्टूडेंट प्लस वो, तो अब कितनी एज हो जा रही है, 0.5 इंक्रीज हो जा रही है, यानी कितना हो जा रही है, 14 हो जा रही है। 13.5 प्लस 0.5 कितना होगा, 14। तो यहाँ से आ जाएगा एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री एस थर्टी प्लस टी इज इक्वल टू 14 इंटू 31। ठीक है, इतनी की एज, इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से रख दें तो ये हो जाएगा 30 इंटू 13.5 प्लस टी इज इक्वल टू 14 इंटू 31। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 14 इंटू 31 माइनस 30 इंटू 13.5। यही होगा ना, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। बोलिए 518 आ रहा है। अब इसको 135 थ्री जा कर दीजिए ना, जीरो को लगा के, फोर्टीन वन ज़ा फोर्टीन और 14 3 ज़ा 42 और 42 और 1 43 माइनस इतना, तो ये दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, बोलिए। कितने लोगों को 29 ईयर आया, चलिए वेरी गुड, 29 ईयर जिसका आ रहा है वेरी गुड, जिसका नहीं आ रहा है वो दोनों को रिवाइज करके देख लेगा, वो अप्रोच आप प्रेफर करिएगा, ये हम प्रेफर कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन है कि अफजल हैज़ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग, इन द 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन, देयर बाई इंक्रीज हिज एवरेज बाई 8 रन, फाइंड हिज न्यू एवरेज। तो चलिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज जो अफजल है, अफजल की 9 इनिंग में जो एवरेज था वो कुछ था, 10th इनिंग में जो वो क्या स्कोर करता है 100, जिसकी वजह से उसका एवरेज कितना इंक्रीज हो जाता है 8 रन, तो उसका न्यू एवरेज कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब अगर आप ये कहिए कि इनिंग फर्स्ट प्लस इनिंग सेकेंड प्लस इनिंग थर्ड इनिंग 9 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या है, एक सर्टेन है, एक्स है ना, अफजल हैज़ ए सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग, इन 10th इनिंग ही स्कोर 100 रन। अब क्या कह रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, I1 प्लस I2 प्लस I3 I9 इज इक्वल टू 9x, यही होगा ना, बोलिए 9x होगा। अब ये कह रहा है कि 10th इनिंग में वो कितना मान लेता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I9 प्लस 100, ये 10th इनिंग है ना, डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी वजह से उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, x प्लस 8 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 I9 प्लस 100 इज इक्वल टू 10 इनिंग होगी ना, 10 इंटू एक्स प्लस 8। ठीक है, अब ये बताइए इतनी की जगह 9 इनिंग का एवरेज जो था वो x था, तो 9x लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने 9x प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10x प्लस 80। अब 9x को इधर भेज दें और 80 को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू x, यानी x क्या था हमारा,
ओल्ड एवरेज ना, अब ये क्या पूछ रहा है, न्यू एवरेज। न्यू एवरेज क्या होगा, एक्स प्लस एट हो रहा है ना न्यू एवरेज, तो एक्स प्लस एट कितना हो जाएगा हमारा 20+8, यानी अफजल का न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 28, और ओल्ड एवरेज कितना होगा हमारा अफजल का 20 होगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं, क्लियर है ना। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो बता दे, ठीक है। अप्रोच समझ में आ रही है ना, ओके। अगर अप्रोच समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। चलिए ओके तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इज 40, इफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूड द एवरेज वेट इंक्रीज टू 41, व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, बताइए कितना होगा, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा। दो अप्रोच हो सकती हैं इसकी, एक तो आप ओरल कीजिए, दूसरा आप अगर आपको जो मेथड होता है उससे करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको उस मेथड से करना है तो देखिए, एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट का वेट कितना है 40, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन, कितने W30 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 40 के जी है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा W1 प्लस W2 W30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 40 × 30, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ये कह रहा है, इफ़ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज वेट इंक्रीज टू 41, यानी अब W1 प्लस W2 W30 प्लस टीचर का वेट डिवाइडेड बाई, अब कितने लोग हो गए हैं, पहले कितने थे, पहले आपके कितने लोग थे 30 लोग थे, अब टीचर इंक्लूड हो गया है तो 31 हो गए, ओके। इज इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है 41, मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए W1 W2 W3 W30 की जगह 40 × 30 लिख सकते हैं आप, यानी आ जाएगा 40 × 30 प्लस टीचर डिवाइड बाई 41 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 31 इज इक्वल 41 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 31 × 41 लिख सकते हैं ना। तो टीचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 × 41 माइनस 40 × 30, ये बताइए, ये अप्रोच समझ में आई ना, आपको क्या करना है, समझ में आई ना, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए 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 कमेंट बॉक्स में बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए आप जल्दी से बोलिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आप ये देखिए, 31 × 31 + 31 = 124 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 127 माइनस 0 0 12, तो ये आ जाएगा हमारा 71। टीचर की एज कितनी आ गई हमारी 71, एज ऑफ टीचर, ओके। ये टीचर की एज है, मेरी एज नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप इसको इस कॉन्सेप्ट से करें तो ठीक है, लेकिन ओरल अगर आपको करना हो तो कैसे करते हैं आप, देखिए 30 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 30, ठीक है, 30 स्टूडेंट हैं, सबके पास कितनी एज है या कितना वेट है 40 kg, सॉरी एज नहीं है वो वेट था, वो टीचर का वेट 71 है, मेरा हो सकता है इससे ज़्यादा ही होगा, 40 kg और ये 40 kg, ठीक है, सबके पास 40 kg था। अब टीचर जो है इंक्लूड हुआ, जिसकी वजह से टीचर जब इंक्लूड हुआ तो सबका एवरेज वेट कितना हो गया 41, यानी टीचर ने अपने पास 41 रखा और सबको 11 दे दिया,
सबको वन वन दिया ना, वन वन कितने लोगों को दिया बोलिए? द एवरेज वेट ऑफ टीचर इज कितना हो गई हमारी 41। तो अब आप ये देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे यहाँ पर, 30 थे। 30 लोगों को वन वन दिया, यानी इसने कितना दिया, 1 + 1 + 1 कितने टाइम, 30 टाइम। तो इसने दिया कितना पूरा 30 केजी स्टूडेंट को दिया और अपने पास कितना रखा 41। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा ना। तो टीचर की, टीचर का वेट कितना रहा होगा, 71 केजी। ओके, क्लियर है, क्लियर है ना, ये अप्रोच आपकी बेहतर अप्रोच है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताइए आप कमेंट बॉक्स में, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जीरो नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता है, लिखिए जल्दी लिखिए, हम बताने नहीं जा रहे हैं, आप लोग लिखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर जीरो होता है कि नहीं होता है, और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, जैसे सपोज 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया हो, तो अगर इनका एवरेज निकालना हो, जैसे चार नंबर हों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 हों, तो इनका एवरेज निकालना हो, तो हम इनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको हमको जो सबसे बड़ा नंबर है +1/2 कर देना है। यानी ये देखिए इनका इनका एवरेज आप निकालिए तो कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हुआ हमारा, 6 + 4 कितना हुआ, 10/4, यानी 5/2 यही हुआ ना हमारा, 3, 3, 6, 4। अब देखिए इसमें नेचुरल नंबर ये कह रहा है, अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो उसका एवरेज हमारा कितना हो जाता है, वो ये बता रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3, 3, 6 + 4, 10/4। तो ये हमारा आ जाएगा 5/2, यानी हमारा आ जाएगा 2.5, ठीक है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता तो क्या आता है हमारा, 4 + 1 कहाँ तक है, कितने नंबर तक है, टिल एन तक है ना, तो हम ये लिखते 4 + 1/2, तो ये भी आ जाता हमारा 5/2, यानी 2.5 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए। तो अगर हमारा कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो उसका सम कितना होता है हमारा, n + 1/2। ओके, समझ में आया। अच्छा चलिए बताइए, 2, 3, 4, 5 इसका सम कितना होगा, इसका एवरेज कितना होगा, आप एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 4 + 5/4 यही निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5 + 5 = 10 + 4 कितना हुआ हमारा, 10 + 4 कितना हुआ हमारा बोलिए, 10 + 4 हमारा 14/4, तो ये हमारा हुआ 7/2, 7/2 हुआ। अब अगर हम 7/4 हुआ, अब इसमें अगर हम इसमें सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, इसमें हमको क्या करना होगा कि कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है, ठीक है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा तो हमारा होगा, ये 1 से स्टार्ट हो नहीं हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका इसको करने के लिए हम +1 जो ऐड करेंगे -1 कर देंगे, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, एवरेज अगर हमको ऐसे निकालना होगा तो। ओके, अच्छा एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर कितना होगा, जनरली आपसे यही पूछेगा, जैसे 1² + 2² + 3² + 4² इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज इसका कितना होगा एवरेज, तो उसका फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6, ठीक है। अब आप ये देखिए क्या होगा, जैसे आपने लिखा 1² + 2² + 3² + 4² / 4 करेंगे आप, तो 1² की वैल्यू 1, 2² की वैल्यू 4, 3² की वैल्यू 9, 4² की वैल्यू 16/4, तो ये हो जाएगा हमारा 5 + 9 कितना हुआ 14, 14 + 16 कितना हुआ हमारा 30, 30/4, तो ये आ जाएगा हमारा 15/2, ठीक है, यह है 15/2।
लेकिन अगर ये 1 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये जा रहा होता 100 स्क्वायर तक, तब क्या करते? तब ये फार्मूला में अगर हम रखते तो n की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 प्लस 1 और 2n यानी 2 इंटू 4 कितना हुआ हमारा? 8 प्लस 1, 8 हुआ ना, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा आ जाएगा 3 से अगर डिवाइड करें 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15 बाई 2। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं? मीन्स ये फार्मूला हम लगाएंगे किसका एवरेज निकालने पे? जैसे मान लो जो आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर। अब ये कह रहा है इसका एवरेज निकालो, तो इनको सबको स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो आप कैसे करें? नहीं कर पाएंगे ना। तो आपको अगर कोई फार्मूला पता हो तब आप कर सकते हैं। तो फार्मूला आपका क्या होता है इसका? n प्लस वन 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। यहाँ पर n नहीं होता है जो सिग्मा n स्क्वायर का होता है, ठीक है? वो क्यों नहीं होता है वो हम बता दें थोड़ा सा। अगर कोई बच्चे को मालूम होगा सीरीज के बारे में तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा होगा। वो क्या कन्फ्यूज़ हो रहा है उसको समझा दें हम। देखिए, आपको आपने ये पढ़ा है सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश डैश सिग्मा, ये n स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन इस फार्मूले में n नहीं आ रहा है तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अब यहाँ पर आप एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ सिग्मा n स्क्वायर का क्या होगा? सिग्मा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4 कहते हैं n है ना, तो n से डिवाइड करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू पूरी रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई n, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है? इसलिए ये n प्लस 1 आ रहा है। इसी तरह प्रीवियस वाले में आप ये देखिए, n जनरली आप सिग्मा n की वैल्यू कितनी होती है आपकी? सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है आप ये देख लीजिए, सिग्मा n की वैल्यू होती है, सिग्मा n का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n। तो सिग्मा n की वैल्यू आप लिखते हैं एपी से n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना। अब अगर हम आपसे कहें कि n नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n डिवाइडेड बाई n, ये होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाली की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 है ये, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई n, तो n कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज यही होगा ना, तो ये एवरेज इसलिए आया है, ठीक है? तो अब यहाँ पर इसका एवरेज निकालना होगा तो आप निकाल लेंगे। 49 तक अगर आपको निकालना हो तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा? देखिए 49 तक में n की जगह 49 लिख देंगे, तो आप ये लिख देंगे 49 प्लस 1 इंटू इसका सम, हम एवरेज निकाल रहे हैं कि एवरेज क्या होगा, तो इसका सबका सम लिखेंगे डिवाइडेड बाई 49 करेंगे ना, तो वो कितना आ जाएगा हमारा? 49 प्लस 1 डिवाइड इंटू 2n, n की वैल्यू कितनी? 49, 49 इंटू 2 कितना होगा? 98 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होगा, यानी हो जाएगा हमारा 50 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 6। अगर 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 और ये 2, तो ये हमारा 2 से अगर इसको करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ओके? तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू 33, ये इसका एवरेज होगा। इन सब का एवरेज कितना होगा? ये होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं प्रॉब्लम ना, चलिए। अब सिग्मा n क्यूब का क्या होगा? सिग्मा n क्यूब का क्या होगा? देखिए, सिग्मा n क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस n क्यूब, ये होता है। अब अगर इसका हम एवरेज निकालें तो एवरेज क्या होगा? सिग्मा n क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस डिवाइडेड बाई n, यही होगा। अब सिग्मा n क्यूब का, सिग्मा n क्यूब का की वैल्यू क्या होती है ये आपने पढ़ रखा है, कितनी होती है? अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम पढ़ाएंगे। n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होती है, ठीक है? इसके सम की वैल्यू अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिक्वेंस सीरीज में हम आपको ये बताएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही हुआ ना, तो ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, और ये नीचे एन आ जाएगा, तो एन एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। मीन्स अगर हम आपसे ये कहें कि वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस हमारा 49 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फार्मूले में रखेंगे, एवरेज एवरेज के इस फार्मूले में रखेंगे, आप क्या रखेंगे, आप ये रखेंगे एन की जगह 49 लिखेंगे, आप 49 प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 49 इंटू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई फोर, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये 25 ठीक है 25, ये क्या आ जाएगा हमारा 25, एक मिनट, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 25 बचेगा, फिर ये 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो 25, तो 25 इंटू 25 625 इंटू 49, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना आया आंसर, आंसर लिखिए, जल्दी लिखिए, क्या यही आ रहा है 30625, बोलिए जल्दी बोलिए, यही आ रहा है ना। ओके, चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, अगर आपने ये कर लिया है तो बताइए। ये कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, मतलब क्या कह रहा है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव की वैल्यू निकालिए। तो या तो आप इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, क्वेश्चन आता है तो सबको स्क्वायर करके ऐड करके लिखिए, या फिर आप स्क्वायर वाले का फार्मूला क्या था आपका, एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, आप इसमें एन की वैल्यू कितनी है फाइव, तो यहाँ फाइव रख देते, तो फाइव प्लस वन कितना हो जाता है सिक्स, इंटू फाइव इंटू टू कितना हुआ टेन, प्लस वन एलेवन डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये आ जाता हमारा एलेवन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होता, ठीक है, फार्मूला से आप निकालते तो आसानी से निकाल आता। ओके, चलिए अब देखिए, अब अगर हम इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर की बात करें तो एन इवन नंबर का मतलब जिससे पहला इवन नंबर टू फोर सिक्स एट, अगर ये एन तक जा रहा है तो इसका जो एवरेज होता है कंसेक्यूटिव टर्म का एवरेज होता है वो क्या होता है, हमारा एवरेज जो होता है इसका एवरेज ऑफ एन इवन कंसेक्यूटिव नंबर है ना, कंसेक्यूटिव नंबर वो क्या होता है हमारा एन प्लस वन होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप जब ऐड करेंगे तो आप ये देखिए कैसे, टू कॉमन ले लेंगे, देखिए टू कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा वन, अगर ये रहा टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट, यहाँ तक गया ये, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं ना, ये तो इस टाइप से ये बन जाएगा, ठीक है, इसको टू, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको ऐड करके ए पी बन जाएगा, ये हम बना लेंगे, अब ए पी अभी हमने क्योंकि पढ़ा नहीं तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो बस हम इतना ही बता रहे हैं, अगर हम कहें कि एन इवेन नंबर का कंसेक्यूटिव इवेन नंबर का सम वो एवरेज कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे एन प्लस वन, जैसे हमने कहा कि टू प्लस फोर प्लस सिक्स अगर प्लस एट, अगर हमको इसका एवरेज निकालना होता डिवाइड बाई फोर करते, डिवाइड बाई फोर करते ना, तो अब ये देखिए कितना होता सिक्स प्लस सिक्स कितना होता हमारा ट्वेल्व प्लस फोर एट कितना होता हमारा ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर कितना आ जाता हमारा फाइव आ जाता, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो कितने कंसेक्यूटिव टर्म जा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, चार तक जा रहा है ना, तो हमारा सम कितना हो जाएगा, ओ सॉरी एवरेज कितना हो जाएगा एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है हमारी फोर, तो ये हमारा आ जाएगा फाइव, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर यहाँ तक, चलिए अब ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर कहीं लिखा हो टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, अगर ये एन स्क्वायर तक जा रहा है या टू एन स्क्वायर तक जा रहा है तो इसका, ये एन स्क्वायर तक जा रहा है तो इसका एवरेज कितना होगा, वो लिख रहा है टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई
3। चलिए अब आप एवरेज निकालिए, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तक बस, डिवाइड बाय 4। इसका एवरेज इस तरह से निकालिए, फिर इस फार्मूले से निकालिए। चलिए जल्दी निकालिए, कितना आया बोलिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी। देखिए इसका कितना आएगा, आप ये देखिए 4 आएगा प्लस ये 16 आएगा प्लस ये 36 आएगा प्लस ये 64 आएगा डिवाइडेड बाई 4। 36 प्लस 64 100 हो गया और ये 120 हो गया, यानी 120 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना आ गया आपका 30। 30 इसका एवरेज आना चाहिए इस फार्मूले से भी। कितने कंसेक्यूटिव टर्म तक जा रहे हैं, 1 2 3 4, 8 तक जा रहे हैं यानी 4 तक, एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 प्लस 1, यही हुआ ठीक है। अब 2 से इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 सा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, तो क्या ये 30 नहीं आ रहा है। तो फार्मूला से आपको ऐड नहीं करना होता, छोटे नंबर का तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको दे दें कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस, और हम ये कहें कि प्लस 88 स्क्वायर, तब आप बताइए कि आप बिना फार्मूला के निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। लेकिन अगर आपने फार्मूला याद किया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, रवि कर देते हैं पूरा, कहाँ तक है 88 स्क्वायर तक, क्या था 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कहाँ तक जा रहा है 88 स्क्वायर तक। अब n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, देखिए 1 2, यहाँ पर जो नंबर होगा उससे 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 44 आएगा ना, तो n की वैल्यू 44 होगी, जो भी लास्ट नंबर हो उसको हम n निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दें। तो ये देखिए ना, 2 से 2 है, ये पहला कंसेक्यूटिव टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, यानी 2 से डिवाइड कर दें, 2 का मल्टीपल हो रहा है ना हर टर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा 44 ठीक है। तो 44 होगा n की वैल्यू, तो ये हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा हमारा 2, n की वैल्यू हमारी 44 प्लस 1 2 इंटू 44 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा ना, तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 45 इंटू, ये हमारा कितना हो जाएगा 88 प्लस 89 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 से 15 टाइम्स जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 89, तो ये हमारा हो जाएगा 0 3 9 27, 2 कैरी आया, 3 8 24 प्लस 2 26, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 88 स्क्वायर का एवरेज कितना होगा 2670। ओके, यानी ये वो नंबर होगा जो बीच का नंबर होगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब इसको देखिए, ये कह रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर टिल एन। इससे पहले क्या था, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अब ये कह रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दोनों फर्क आप समझ में रहे ना, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अब ये कह रहा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर टिल एन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों फर्क आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या फर्क है। क्या फर्क है बताइए, यहां पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यहां पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दिया रहेगा तो एन की वैल्यू निकाल के रखना है आपको, यहां पर क्या दे रहा है कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो होगा वहां तक की बात कर रहा है, यानी कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर जहाँ तक होगा उसके बारे में बात कर रहा है। अगर वहाँ पर n n क्या था, n की वैल्यू निकालना था, कितने नंबर ऑफ प्लेसेस थे, यहाँ पर n क्या है कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर है, वहाँ पर इवेंट नंबर का पोजीशन थी वहाँ पर, मतलब जब 88 में स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे 44 कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे n प्लस 1
टू एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है ये आप समझिए इसको, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर टिल 10, यानी 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये कह रहा है। तो ये क्या होगा, तो आप इसको लिख देंगे एन प्लस वन, और या आप इसको लिखेंगे एन प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री। तो एन की वैल्यू आप कितना रख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस वन, और दूसरा हमारा हो जाएगा 10 प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये हमारा आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 44, यानी हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 44। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, ये समझ में आ रहा है, तो चलिए अब हम ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहा है एवरेज ऑफ एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज एन, मतलब अगर यहाँ कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 9 प्लस 7 कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 4, कितना आया 4 आ गया। अब इसमें कितने नंबर थे, 1, 2, 3, 4, वो पहले ही कह रहा है कि 4 ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, तो यहाँ कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो ये 7 ही आएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। ओके, तो अब उसके बाद कह रहा है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर टिल n, वो क्या होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे आपका एक चीज कमेंट हम देखने लगे थे एक्चुअली, ठीक है। ये कह रहा है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर टिल एन, ये एन की क्या है, एन वैल्यू है यहां पर, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म में कितना है हमारा, नंबर ऑफ टर्म में कितना था 1, 2, 3, 4, तो हम क्या कर रहे थे, ये फार्मूला एन 4 आएगा। अगर इस फार्मूला से हम देखें कि नंबर की वैल्यू कितनी है, ये लास्ट वाला जो एन है उसकी वैल्यू कितनी है 7, तो इस फार्मूले से क्या होगा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी ये भी 4 आ गया, यहाँ से भी आएगा। तो हम चाहे इस तरह से निकालें, लास्ट नंबर हमको पता कंसेक्यूटिव या कितने नंबर तक जा रहा है ये पता हो, तो दोनों से निकालना है, कितने नंबर तक जा रहा है तो उसमें का क्या होगा, जितने नंबर तक जा रहा होगा वो एवरेज होगा। हमने कहा 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और फिर हमने कहा कि अप टू 49 टर्म है, तो इसका एवरेज कितना होगा 49 होगा। अगर हम ये कहें 1 प्लस 3 प्लस 5, हम ये कहें कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू 49 टर्म है। 49 टर्म का मतलब क्या है, देखो पहले टर्म का मतलब ये है, दूसरे टर्म का मतलब ये है, तीसरे टर्म का मतलब ये है, तो 49 टर्म में कुछ और होगा, 49 नहीं होगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 49 आएगा। लेकिन हम कहें कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 49 हो, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है 49 है। अगर ये 49 तक जा रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा हमारा, n नहीं होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होगा, नंबर ऑफ टर्म में होगा तो n ही आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू होगी तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी 49 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी 25 आ जाएगा एवरेज इसका। फर्क समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, बोलिए 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 जल्दी बोलिए। ओके चलिए बताइए ये क्या कह रहा है, फाइंड, इसी तरह पुराने फार्मूला भी थे, वो एन तक जा रहा था और एन की वैल्यू तक थी जो इवन नंबर वाला था, ठीक है। ये एन तक जा रहा हो, टिल एन तक अगर जा रहा हो कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो एन तक जा रहा हो, ये टिल एन तक जा रहा हो, तो उसका जैसे मान लो कहीं हो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, यहाँ पर 48 हो, तो इसका एवरेज निकालेंगे अगर इस फार्मूले से, तो हमको नंबर ऑफ टर्म में या तो मालूम है 24 उससे निकाल सकते हैं, या हम कैसे करेंगे 48 प्लस 1 और 48 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये करेंगे। अच्छा ये कौन सा टर्म है, ये 24th टर्म है, इसको करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे।
अगर हमको ये दिया हो कितने कंसेक्यूटिव टर्म हैं, ये कंसेक्यूटिव टर्म कहाँ तक जा रहा है उसके लिए ये होगा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि कमेंट से हमको ऐसा लगा कि थोड़ा कन्फ्यूज हुए हैं आप लोग। ओके चलिए बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर टिल 9, ये क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है, टिल 9, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लगेगा ना, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ना कि 9 लिख देना, 9 नहीं लिखना, 5 लिखना, ठीक है। अगर ये कहता कि कंसेक्यूटिव टर्म, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म इज 9, वैल्यू नहीं देता ये कितने कंसेक्यूटिव टर्म हैं, वो 9 होता तो तब उसका आंसर कितना होता, 9 आता, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 9 उसका आंसर होता कि 9 कंसेक्यूटिव टर्म होते। यहाँ कंसेक्यूटिव टर्म ये क्या है, फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म है, लेकिन वैल्यू क्या है उसकी, 9 है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए अब, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, बोलिए। आंसर बोलिए, सारे लोग आंसर बोलिए। द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। 5 ऑब्जर्वेशन की एवरेज जो है 15 है। इफ 3 न्यू ऑब्जर्वेशन दिस एडेड, देन फाइंड द न्यू एवरेज। बहुत सिंपल है, ओरल करिए, ओरल करिए, ओरल जल्दी करिए, ओरल जल्दी करिए। कितना आया आंसर, कितना आया आंसर, बोलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यानी 5 लोग हैं, उनका उनका एवरेज कितना है, 15, यानी इनके पास 15, इनके पास 15, इनके पास 15, इनके पास 15, इनके पास 15। अब 3 लोग ऐड हो जाते हैं, और जो 3 लोग ऐड होते हैं हम उनसे क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप 15 15 अपने पास रख लीजिए। तो इनके पास कितना है 16.5, इनके पास कितना है 18, इनके पास कितना है 14.5। तो अब हम क्या करेंगे कि आप ये कही, हम ये कहेंगे कि आप भी 15 रखिए, आप भी 15 रखिए, आप भी 15 रखिए। जब ये सब 15 रखेंगे तो इसके पास कितना बचेगा 1.5, इसके पास कितना बचेगा 3, इसके पास कितना बचेगा -0.5, ये बचेगा ना। इन तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ 1.5 -0.5 ये कितना बचेगा 1, प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, सबके पास 15 रहेगा। और नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, अब 8 हो जाएंगे, 5 प्लस 3 8, यानी 4 को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 8 लोगों में, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 सबको दे देना है, 0.5 0.5 0.5, सबके पास कितना था 15 15, तो हो जाएगा 15 प्लस 0.5, तो ये हमारा हो जाएगा 15.5, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए बताइए बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। ये कह रहा है, अ बैट्समैन हैज द सर्टेन एवरेज रन इन 14 इनिंग, ही स्कोर 72 रन इन 15 इनिंग, थस हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2, फाइंड द एवरेज आफ्टर 15 इनिंग। 14 इनिंग उसने खेला, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग, 14 इनिंग, तो इसका एवरेज कुछ था। अब इसने क्या किया कि 15 इनिंग खेला, जिसमें इसने कितना रन बनाया, 72, जिससे हुआ क्या कि अगर इसका एवरेज एक्स था तो अब एवरेज कितना बढ़ गया, सबका 2 बढ़ गया, एवरेज इंक्रीज कितना हो गया, 2 प्लस 2 हो गया, यानी अब एवरेज x प्लस 2 हो गया, और ये x प्लस 2 इसके बराबर होगा। अच्छा, तो अब ये देखो कि इसने 2 ये कहाँ से आ रहा है, ये 15 इनिंग से आ रहा है, यानी ये इसमें से कितने बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 14 बार देगा, यानी ये सब इसको 2 देगा, इसको 2 देगा, इसको 2 देगा, इसको 2 देगा, यानी इसको कितना देगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 14 × 2, यानी इन लोगों को कितना दे रहा है, 28 दे रहा है ये। जब ये 28 दे रहा है तो इसके पास बच कितना रहा है, 72 माइनस 28 कितना बच रहा है, 72 माइनस 28 कितना बच रहा है, 72 माइनस अगर 30 होता तो ये बचता 42, 40 यानी 44 बच रहा है।
यानी इसके पास 15 इनिंग में बचा कितना होगा, 44। अब ये 44 जो है इनके एवरेज में आ रहा है, यानी अगर इनका एवरेज पहले x था तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 44, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। यानी उनकी उनकी पहली पहले कितना एवरेज रहा होगा, 42, अब कितना हो गया होगा, ये इत्तेफाक से 15 इनिंग के बाद ही एवरेज पूछा हुआ है, तो 44 हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अगर ये पूछता कि 14 इनिंग के बाद क्या एवरेज रही होगी, तो आप बताते कि 42 होगी। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, चलिए इसको बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए, कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है बोलिए। द एवरेज ऑफ x1 x2 एंड x3 इज 14, ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 इज 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। ये आप निकालिए, इसको आंसर बताइए, बताइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आंसर, इसको हम बताने नहीं जा रहे हैं, बोलिए जल्दी बोलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए, समझ लीजिए क्विज के टाइप का है। ओके 27 आएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा, आप x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 14 लिखेंगे, उसके बाद ये कह रहा है कि द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ x2 एंड x3, यानी x2 प्लस x3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आप लिखेंगे, 30 लिख देंगे, वहाँ से उसकी वैल्यू रख के आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, समझ में आया ना, 27 आ रहा है ना। चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप, बताइए जल्दी बताइए, क्या क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ द वोमेन एंड चाइल्ड, द एवरेज एज ऑफ द वोमेन एंड चाइल्ड वर्कर इन अ फैक्ट्री वॉज 15 ईयर। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड वर्कर, कुछ हैं वोमेन कितनी है और चाइल्ड वर्कर, ये भी नहीं बताया, उनकी एवरेज एज 15 ईयर बता दिया। अब ये कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द ऑल द 16 चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रन कितने हमारे 16 हैं, इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज 8 ईयर है, एंड एवरेज ऑफ वोमेन वर्कर इज 22 ईयर। अब वोमेन वर्कर की एवरेज जो है वो कितनी है हमारी, 22 ईयर है। अब ये नहीं बता रहा अभी, इफ़ द 10 वोमेन वर्कर वर मैरिड देन द नंबर ऑफ अनमैरिड वोमेन वर्कर वर, अगर 10 वोमेन वर्कर मैरिड हैं तो कितनी वोमेन वर्कर अनमैरिड होंगी। बेसिकली हमको वोमेन कितनी है ये निकालना है, उसके बाद हमको उसमें से 10 माइनस कर देना है तो अनमैरिड निकाल आएंगे। निकालिए कैसे निकलेगा, निकालिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी सी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट 2013 में आया क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए क्या होगा, बोलिए 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 बोलिए, क्या बोलिए 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 बोलिए। आप मान लीजिए वोमेन जो है x हैं, तो अब आप एवरेज निकालिए, क्या कह रहा है, पूरे लोगों की एवरेज कितनी है 16, पूरे लोग कितने हैं 16 प्लस x हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन सब की एवरेज कितनी है 8, यानी अब आप ये देखिए कि 16 ईयर के जितने चाइल्ड हैं उनकी एवरेज कितनी है 8 है 16, यानी उनको हम ये क्या करेंगे, चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 प्लस चाइल्ड 3 अप टू चाइल्ड 16 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू कितना दे रहा है 8, यही दे रहा है ना, यानी इनका C1 यानी सारे चाइल्ड का सम कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 डेड एस C16, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 इंटू 16, यही होगा ना। उसके बाद ये कह रहा है ऑल वोमेन, अगर मान लो वोमेन x हैं तो W1 प्लस W2 प्लस W3 ये कहाँ तक जा रहे हैं हमारे, सपोज WN तक, n वोमेन है, डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू कितना है हमारा, इनकी 22 ईयर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, W1 प्लस W2 प्लस W3 ये हमारा कहाँ तक हो जाएगा, WN इज इक्वल टू 22N, यही होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन सब का एवरेज कितना बता रहा है, कि टोटल का 15 ईयर है, तो अब हम कैसे लिखेंगे सबका, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कहाँ तक जाएगा, C16 प्लस W1 प्लस W2
ठीक है, कहाँ तक जाएगा, डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल चाइल्ड प्लस वोमेन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है 16 प्लस एन इज इक्वल टू, ये एवरेज कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना, देखिए 15 दे रहा है ना, कितना दे रहा है ये 15 दे रहा है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या है, सी वन प्लस सी टू प्लस, इसकी वैल्यू है 8 इंटू 16, तो यहाँ हम लिख देते हैं 8 इंटू 16 प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू एन तक की वैल्यू कितनी है 22 एन डिवाइडेड बाई 16 प्लस एन है, इसको राइट साइड पर ले जाएंगे तो 15 इंटू 16 इंटू एन हो जाएगा, हो जाएगा ना, बोलिए। अब ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, 8 इंटू 16 ये हो जाएगा 128 प्लस 22 एन इज इक्वल टू 15 इंटू 16 कितना होगा 240 और ये प्लस एन है ना, ठीक है प्लस 15 एन, क्या यही होगा कि नहीं बोलिए। अब अगर 15 एन को इधर ले आ लें और इसको इधर ले आ लें तो ये हो जाएगा हमारा 7 एन इज इक्वल टू 240 माइनस 128 कितना होगा 240 माइनस 128 112 होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 112 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम जाएगा कि नहीं, 16 7 सा 112, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16, जिसमें से यानी ये टोटल नंबर ऑफ वोमेन है जिसमें से कितनी मैरिड हैं 10 वर्कर आर मैरिड, तो इसमें से अनमैरिड कितनी होंगी, अनमैरिड कितनी होंगी हमारी 16 माइनस अनमैरिड कितनी होंगी 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, यानी हमारी ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, यानी 6 वोमेन जो है हमारी अनमैरिड होंगी। ओके क्वेश्चन समझ में आया ना, ओके नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए आप, ये क्वेश्चन कह रहा है द मीन मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 58.5 लेटर, इट वॉज फाउंड दैट 75 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 57, फाइंड द करेक्ट मीन। यानी आप ये देखिए वो वाले फार्मूला से आप लगा सकते हैं कि जो एक आदमी को हमने निकाला, एज वाला जो था, एक आदमी को हमने निकाल दिया, दूसरा आदमी आ गया, यानी हम क्या करेंगे 57 को निकाल देंगे और 75 ला देंगे, तो इंक्रीज होगा ना, ठीक है। चलिए बताइए आंसर, बताइए कितना आया क्वेश्चन आंसर, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ 2013 में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, वो उसमें मेंशन कर दे रहे हैं कभी दिख जा रहा है तो। कितना आया आंसर 59.1, किसका किसका आया, डी डी आंसर होगा। देखिए अब या तो आप फार्मूला से लगा सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए 30 स्टूडेंट थे, ठीक है, इनका एवरेज कितना था, सबके पास कितना कितना था, ये 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके पास एवरेज कितना था, आप ओरल वाला मेथड अगर आप करते तो क्या होता 58.5। अब हम ये कह रहे हैं कि इट वॉज फाउंड दैट 75 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 57, यानी यहाँ पर कहीं 57 लिख गया, जहाँ पर लिखना कितना चाहिए था 75, तो अगर दोनों को माइनस करें, यानी अब हम 57 की जगह 75 लिखेंगे तो और ज़्यादा कितना लिख देंगे 75 माइनस 57, ये कितना बचा, 5 में से 7 गए कितना बचा, 15 में से 7 गए 8 हुआ, अब ये 6 में से 5 गए 1 बचा, यानी 18 होगा ना, बोलिए, यानी 18 और हमको ऐड करना पड़ेगा, ये 18 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा 30 लोगों में, तो 18 डिवाइडेड बाई 30 आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.8 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा हमारा 0.6, यानी 0.6 हमको ऐड करना पड़ेगा, हमारा एवरेज कितना था 58.5, अब सबको हमको कितना और देना पड़ेगा 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 59.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपको देखते ही साथ ओरल बताना चाहिए था, वरना आप अगर फार्मूलाज करना है तो वो हमने कई बार मेथड बता दिए, वो आप कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए,
कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आएगा आंसर। द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एंड इट वाज 124। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द टू ऑब्जर्वेशन 46 एंड 82 वाज वर इनकरेक्ट। द करेक्ट वैल्यू इज 64, यानी 46 को उल्टा लिख दिया 64 और 82 की जगह हमने 28 लिख दिया। द करेक्ट एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज क्या होगी, बोलिए जल्दी से क्या होगी, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। ओके आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर कीजिए जल्दी बताइए। स्टेट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीजीपीसीएस में, सीजीपीएससी। ओके तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसके दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप लॉन्ग मेथड इसको करिए, दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि 18 ऑब्जर्वेशन थे, ये 18 ऑब्जर्वेशन थे, वाज कैलकुलेटेड इट वाज द एवरेज ऑफ 128 था एवरेज। अब ये हमने डिस्कवर किया कि जहां पर हमने 46 और 82 है वो गलत था, मतलब 46 और 82 हमने गलत लिख दिया, यानी हमने दोनों यहां पर नंबर दोनों को सम करिए कितना हमने ऐड करा होगा, यहां पर ये कितना हुआ होगा हमारा 8, ये कितना हुआ होगा हमारा 12, 128 हमने यहाँ पर रखा होगा, लेकिन इसकी जगह आना क्या चाहिए था हमको 64 प्लस 28, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 12, 1 कैरी, अब ये हो जाएगा 628 प्लस 1 92, ठीक है, मीन्स 92 होना चाहिए था, हमने कितना ले लिया उस पर 128, यानी हमने ज़्यादा कितना ले लिया था 128 माइनस 92, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36 आएगा कि नहीं बोलिए, 36 नहीं आएगा, हाँ 36 आएगा, 28 प्लस 8 36 आ जाएगा। अब ये 36 जो है कितने में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 18 ऑब्जर्वेशन में, तो 36 डिवाइडेड बाय 18 ये कितना होगा हमारा 2, यानी सारे लोगों से हमको 18 ऑब्जर्वेशन है सब में से 2 वापस निकाल लेना होगा, तो हमारा जब सब में से 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 128 माइनस 2, यही बचेगा ना, बोलिए यही बचेगा या कहीं गलत हो रहा है, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए 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 करेक्ट कीजिए, ओरल बोलिए। ओके अगर निकालिए, इसको निकालिए कहाँ पर, यहाँ पर मिस हुआ है बोलिए, ठीक है, ये हमने 122 है, 124 है एवरेज, यहाँ पर हमने 128 लिख दिया है, तो 124 माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा 122, हमारा एवरेज जो है 122 आ जाएगा, ठीक है, ओके क्लियर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो किसी को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और ये एवरेज पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके बेसिस पे आप इसको रिवाइज कीजिए और अपना नोट्स बनाइए और इस पे वर्क कीजिए, कोई भी बुक उठा के, किसी भी राइटर की बुक उठा के आप क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और आप अगर कुछ चीज़ें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लाइव ख़त्म होने के बाद ये प्लेलिस्ट में जाके, आप प्लेलिस्ट बन रही है उसमें पूरे हर लेक्चर को फाइंड कर सकते हैं आप और उसको आप देख सकते हैं, दोबारा देखिए तो स्पीड बढ़ा के देखिए, जैसे अभी 1 पे आप देख रहे हैं तो उसको 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, 1.75 कर लीजिए, वो होती है वो स्पीड में हो जाएगा, यानी 2 घंटे की वीडियो आप 1 घंटे में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, कोई क्वेरीज हो तो वो आप लिखिए, और आज का क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, थैंक यू।